तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी डेढ़ घंटे के एक्शन के लिए, वो भी हफ्ते के आखिरी दिन। दमदार रिकवरी भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से लौटती हुई दिख रही है। अहम सपोर्ट लेवल से बाजार घूमकर फिर दिन के हाई पर जाते हुए, तो बड़ा सवाल है कि क्लोजिंग दमदार होगी और अगले हफ्ते के लिए क्या रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रखेंगे फोकस। आइए करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, लग ही रहा था कि बाजार बस इंतजार कर रहे थे फाइनल ट्रेड शुरू हो और रिकवरी के संकेत दिखाएं, क्योंकि दमदार रिकवरी आई है पिछले कुछ मिनटों में। सर तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? दीप देखिए, बड़ी बातों में साफ तौर पर रिकवरी बहुत ही बेहतरीन आती हुई दिख रही है। इस रिकवरी में सबसे अच्छी बात यह है दीप के ग्लोबल मार्केट्स का उतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार ज़्यादा मजबूती से ज़्यादा बेहतर ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स अभी भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में एक अच्छा रुझान तेजी का बनता हुआ दिख रहा है निचले स्तरों से। ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर आपके लिए इस वक्त नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो रिकवरी जो आई है वो बैंकिंग शेयरों में भी आती हुई दिखी है, और जो रिकवरी आई है वो तमाम सेक्टर्स में चौतरफा खरीदारी के चलते आती दिख रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से भी आपको तेजी का रुझान देखने को मिलेगा। बजाज फिनसर टाइटन जैसे निफ्टी के हाई बीटा स्टॉक तेजी से बढ़ते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 600 अंक सुधरा है और लीड किया है। कोटक बैंक और HDFC बैंक ने यहाँ पर तेजी को लीड किया है इस वक्त। ये है आपके लिए बड़ा एक्शन। डाउ फ्यूचर्स अभी भी 125 पॉइंट नीचे है और यूरोप सपाट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जी दीप, बिल्कुल, तो डाउ फ्यूचर्स अभी भी नीचे है, यूरोप में सपाट कारोबार है, बट भारतीय बाजारों में अच्छी रिकवरी आई है। सर किस तरह से रीड करें वो जो आपकी थियोरी थी एग्जैक्टली कि डेढ़ दिन तक करेक्शन होता है, एग्जैक्टली वही हुआ। अब सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी भी आ रही है और डेज हाई की तरफ भी बाजार है, तो बताएं यहाँ से फिर क्लोजिंग तक किस तरह का एक्शन है? बिल्कुल दीप, सुबह हम यही बात कर रहे थे कि देखिए अगर नवंबर के महीने में सिर्फ दूसरा दिन करेक्शन का, अगर उसमें आप घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना नहीं जानते तो फिर ट्रेंड एक आध दिन की कमजोरी से, एक आध दिन के डेटा से नहीं बदलता। इसलिए आज आपको याद होगा हमने आज भी ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर रखा, 12,625 वो रेंज है जो निफ्टी पर बहुत मजबूत सपोर्ट जो है, उससे पहले 12,700 तो टूटना चाहिए, वो भी नहीं टूटा। कल के लोज के आसपास बाजार सपोर्ट लिए, आप देखिए 12,730 का लो बनाया है। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा नीचे आया है, 28,580 का लो बनाया है, 28,450 28,600 आज का अपना जो अहम सपोर्ट जोन था वहां से बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी दी, तो एकदम सही लेवल से रिकवरी दी है और एकदम सही लेवल पर आ भी चुके हैं। स्पेशली दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी जो अब अपनी हाई रेंज के आसपास आ रहे हैं, 29,250-29,300 बैंक निफ्टी का हाई रेंज है। अगर यहाँ से हम आगे बढ़े तो 29,600-29,750 ये अगली 150 पॉइंट की रेंज होगी जहाँ बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, अगर 29,300 को पार करके टिका तो। और नीचे की तरफ और बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी देखिए 12,935 ये लेवल हो सकता है, अगर 12,875 के ऊपर टिका तो। इन लेवल्स पर ध्यान में रखकर आपको बढ़ना चाहिए आगे, इन पर फोकस कर लीजिए। तो आइए ये इस वक्त का एक्शन पूरा आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और आपके लिए एक्शन जो होगा, आइए भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनसे लेते हैं उनकी पहले पिक्स और उसके बाद वो आगे का एक्शन भी। स्वागत बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है भसीन साहब आपका। बाजार में अच्छी रिकवरी आई है, शानदार तेजी बनती हुई दिखी निचले स्तरों से, क्या समझे, क्या इस रिकवरी में फिर से उछाल में बिकवाली ही करनी चाहिए या खरीदारी के मौके हैं? बाजार का आउटलुक और साथ ही आपकी कॉल्स का अपडेट भी सर। तो देखिए अनिल जी, अभी जो इंडस्ट्रियल्स हैं में
तो ये है आपके लिए इस वक्त भसीन साहब से हमारा संपर्क फिर से होने की तैयारी में। तब तक मैं एक बार जल्दी से आपको बाजार का हाल बता दूं। दिन के हाई पॉइंट पर 12,876 ये निफ्टी ने बनाया अभी अभी और 29,317 ये बनाया है बैंक निफ्टी ने अभी अभी। सेंसेक्स 300 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और भसीन साहब से हमारा फिर से संपर्क हो चुका है। भसीन साहब, कनेक्शन टूट गया था, बताएं सर। तो अनिल जी, जैसे मैंने कहा ग्लोबल वॉलेटिलिटी रहेगी तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट जैसे मैंने कहा शॉर्ट कवरिंग और एक्सपायरी का नियरनेस में दोनों तरफ की मार्केट मिलेगी। आपको कल की कॉल्स थी, कल मैंने आपको SBI फेडरल बैंक शॉर्ट कराया था, उसमें 4-4% का फॉल आ गया, वो कवर कीजिए। आपको गेल आज सुबह दिलाया था, वो 96 हिट कर गया, उसमें बुक कीजिए, 93 में दिया था। BBCL में बने रहिए। इसके अलावा मेरी टेक्नोलॉजी की कॉल्स बहुत बढ़िया चली है, HCL टेक और टेक महिंद्रा। और अब आप कहें तो मेरे पे दो कॉल्स हैं, दोनों दिग्गज नाम है जो मेरे को लगता है यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए, पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं सर ये। जी सर प्लीज बताएं। तो पहला होएगा सर इंफोसिस। इंफोसिस के अब की नंबर आई थिंक विल इवन बी TCS। तो 1100-1102 का भाव है, इसमें इस भाव पे लीजिए, 1088 का स्टॉप लॉस रखिए, 1150 का टारगेट। और दूसरा होएगा जो सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी है ऑफ आइडिया, वोडाफोन एंड अल्ट्राटेक, ग्रासिम। ग्रासिम इज अ नो ब्रेनर, माने इससे अच्छा शेयर ही नहीं हो सकता मेरे हिसाब से इस भाव पे, जबकि सीमेंट प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई। 844-845 में लीजिए, 830 का स्टॉप लॉस रखिए, ग्रासिम इज हेडेड टू 900। ओके, तो दो स्टॉक, और कोई शॉर्ट कॉल भी है या खाली दोनों खरीदारी की राय सर? नहीं सर, आज खरीदारी की है, शॉर्ट अभी 2 बजे आपको बताऊंगा, 3 बजे बताऊंगा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, बहुत ही बेहतरीन कॉल्स और आपके कॉल कमाल करते दिख रहे हैं। गेल भी आप देखिए, सुबह वाला कॉल काफी मजबूती के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ खबरों वाले शेयरों पर भी बात करेंगे, उससे पहले कुछ बेहतरीन कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। हम कुणाल जी और राकेश जी से बात करेंगे, कनेक्शन करेंगे, तब तक आइए खबरों वाले शेयर जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ है, वरुण बताइए स्टॉक्स इन न्यूज। देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो आज की लिस्टिंग जो हुई है काफ़ी दमदार लिस्टिंग हुई है ग्लैंड फार्मा की। प्री ओपन में करीब 1700 के भाव के आसपास ये सेटल हुआ था, तो अच्छी खासी लिस्टिंग आपने देखनी है इस कंपनी की। 1500 का इशू प्राइस था, उसके सामने 1700 पे ये कंपनी जो है वो लिस्ट हुई, यानी कि करीब 13% के आसपास के प्रीमियम पे कंपनी लिस्ट हुई है। L&T टेक्नोलॉजीज, याद रखिएगा, इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, बेसिकली अमेजोन से डिजिटल सर्विसेज के लिए ऑर्डर मिला है। आपको याद होगा अमेजोन का एलेक्सा जो है उसके इंटीग्रेशन के लिए ऑर्डर कंपनी को मिला है। फाइजर या यूरोपियन यूनियन जो है फाइजर की हर वैक्सीन के जो डोज है उसके लिए करीब $18.3 देगी, यानी कि करीब 30 करोड़ जो डोसेज है उसके लिए $550 करोड़ जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो देने वाली है फाइजर के दवा के लिए। वहीं रेमेंड, यहाँ खबर ये है कि NCD के जरिए इन्होंने कुछ पैसे जुट, करीब 40 करोड़ के आसपास जो है वो जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है, और कमर्शियल पेपर्स के जरिए करीब 100 करोड़ के आसपास जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी, यानी कि पूरे तरह से 140 करोड़ के आसपास जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। ओके, तो ये हैं कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर हमें नजर रखनी है। एक जो भसीन साहब की इंफोसिस की कॉल थी वो एक बार जरा मैं लेवल फिर से दिखा दूं, गलती से वो स्टॉप लॉस का लेवल गलत आ गया था, आप ध्यान रखिए। 1100 के करीब भसीन साहब ने आपको खरीदारी की राय दी है, टारगेट उनका 1150 का है, स्टॉप लॉस 1080 के करीब है, तो ये लेवल जरूर ध्यान रखिए। आइए मानसी से भी जान लेते हैं कौन से लेवल्स है। 1080 का स्टॉप लॉस रहेगा वो आप ध्यान रखिए, और 1150 का टारगेट रहेगा, ये है भसीन साहब की तरफ से इंफोसिस का कॉल, तो ये स्टॉप लॉस भी रिवाइज होगा, 1080 का स्टॉप लॉस है। पर आइए अब चलते हैं मानसी के पास और जान लेते हैं कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर बाजार की नजर है, बताएं मानसी। हाँ बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया। शुरुआत आज से करना चाहूंगी, IIFL सिक्योरिटीज की बोर्ड बैठक होने वाली है, बायबैक पर इस पर हमारी नजर है। इसके अलावा फाइजर इंक आवाज आज वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अर्जी डाल सकती है, तो इस पर भी नजर रहेगी। कल की अगर बात करें, कल प्रधानमंत्री मोदी 15वीं G20 समिट में शामिल होने जा रहे हैं, और 2 दिवसीय समिट होगी, 21 और 22 नवम्बर तक की समिट चलती रहेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट होने वाली, जिस पर नजर रहेगी। CA परीक्षा पर सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 21 नवम्बर यानी
कल से लेकर 14 दिसंबर तक सीए की परीक्षा होने जा रही है और साथ ही सोमवार के दिन जापान के बाजार बंद रहेंगे और साथ ही डीएचएफएल केस में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो अगली सुनवाई है वो सोमवार को होने वाली है। ओके तो ये है आपके लिए तमाम ट्रिगर्स। आइए चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी अब खरीदारी की राय है टाइटन पर और टाइटन पर एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है जहां से मेल्टडाउन शुरू हुआ था टाइटन का कोविड के चलते है, वो कोविड से पहले का जो पिविट है उसको इस स्टॉक ने तोड़ा है और इतिहास गवाया है। जिन जिन स्टॉक्स ने कोविड से पहले के हाइस तोड़े हैं उनमें एक अच्छा उछाल देखने को मिला है तो अब टाइटन का नंबर है ऊपर की तरफ, इसको खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए आज शुक्रवार है और शुक्रवार को होता है वीकली क्लोज और आज जो वीकली क्लोज टाइटन में आता हुआ दिख रहा है ये इसका हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड वीकली क्लोज होगा। तो अगर अनिल जी मौजूदा स्तरों के आसपास टाइटन बंदी दे देता है तो आपको यहां पर एक शर्तिया मूव 1450-1470 तक का देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट टाइटन पर आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रखें 1320 रुपए पर, 1320 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1425 रुपए का, 1425 का और दूसरा 1450 का टारगेट होगा। ओके 1425-1450 के टारगेट के लिए यहां पर आप करें खरीदारी। आइए अगला बिगुल है आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मरान, और उसके बाद आपके लिए आ रही है एक बड़ी खबर भी और साथ ही हिमांशु जी भी अपने बीटीएस कॉल के साथ तैयार है। तो पहले आशु सर के लिए एक बिगुल। बताएं आशु सर। अनिल जी मेरा कोई स्पेसिफिक बिगुल नहीं है तो मैं तो मार्केट के बारे में मुझे लग रहा था पहले पूछेंगे। तो अनिल जी मार्केट में पकड़ बिल्कुल बरकरार है जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक दिन की मूवमेंट अनिल जी एक्सपायरी वाला कोई ट्रेड उसके उसमें जो आप रीड करने की कोशिश करते हैं दैट इज नॉट द राइट रीडिंग, वो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी। और अनिल जी कल के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, आप भी एक्सप्लेन कर रहे थे मैं भी उसको एक्सप्लेन करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनिल जी अभी भी मार्केट में पूरी पकड़ है और आज भी देख लिए अनिल जी, कल शाम को कल की मंदी देख के और आज सुबह किसी ने इंडेक्स को डाउन एंड आउट कर दिया हो और कहा हो कि बैंक निफ्टी चली जाएगी और आप देखिए अनिल जी पिछले एक घंटे में कैसे पकड़ा शॉर्ट सेलर को। तो अनिल जी अभी भी रेपिटेशन वही है, थोड़ी बोरिंग लगेगी, इंडेक्स पे गुस्सा नहीं निकाले हैं अनिल जी, इंडेक्स पे गुस्सा निकालेंगे तो आप बार बार ऐसे ट्रैप होंगे कि आप संभल नहीं पाएंगे। अनिल जी मैं आपको एक्सपायरी डे का ये जो कैलकुलेशन है ना ये बताता हूँ, मतलब यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इज वाई आई एम इंस्पायर्ड कि मैं उसमें थोड़ा सा शेयर करूँ। अनिल जी ये जो गेम एक्सपायरी की होती है ना जो वीकली में भी, ये अनिल जी आज क्या है कि हम पांच दिन तो अपने पैसे से जो राइटर्स हैं वो रैम्पेंट हैं कॉल पुट बेचने वाले हैं। अनिल जी वो 4-5 रुपए कमाने के लिए मैं गारंटी करता हूँ कि 4-5 रुपए कमाने के लिए इतने मौके मिलते हैं हमारे को थ्रू आउट दी वीक थ्रू आउट दी मंथ, लेकिन क्या होता है कि वो 4-5 रुपए हम अपने पैसे से कमाते हैं लेकिन जो एक्सपायरी डे पे होता है अनिल जी वो एक ना रैम्पेंट फैशन हो गया कि 10 टाइम की लिमिट 15 टाइम की लिमिट 20 टाइम की लिमिट इंट्राडे के लिए लेते हैं और वो करते हैं। मतलब एज ए ब्रोकर अनिल जी मेरे लिए अगर मैं देता हूं या नहीं देता हूं मतलब मैं इस चीज को डिस्करेज करता हूं रैम्पेंटली तो ये एज ए ब्रोकर गलत होगा, लेकिन अनिल जी क्लाइंट के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल जी जब कॉल्स की शॉर्ट कवरिंग आएगी तो आपको होगा लॉस और जब पुट्स की शॉर्ट कवरिंग आती है जब पुट्स में बेचने वाले को लगती है तो होता है हादसा। तो अनिल जी हादसा लोगों के साथ कितनी बार हो चुका है और होता भी बैंक निफ्टी में है। अगर कल आप बैंक निफ्टी की पुट्स देखिए अनिल जी मतलब 5-5 रुपए की पुट 200-200 रुपए 15-15 रुपए की पुट 200-250 रुपए हुई है। तो अनिल जी ये जो मॉडल है ना ये बार बार ये आपको करेगा और आपको कंफ्यूज करेगा और वो कंफ्यूजन सिर्फ एक दिन के लिए होती है थर्सडे के लिए जिससे आप रीड नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन जिसने अगर मतलब मार खानी है ना तो वो स्पेसिफिक फॉर दी डे है और वो आपको कंफ्यूज करता है कि नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, वो ट्रेंड उसी दिन के लिए होता है। तो अनिल जी इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो मॉडल है बार बार मैं अनिल जी बार बार बोलता हूँ ये जो 15 टाइम 20 टाइम जो लिमिट लेके ऑप्शन सेलर्स है ना अनिल जी आई कॉल दिस मैं पर्सनली इसको बोलता हूँ दीज आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इसमें क्लाइंट्स का ये फैशन नहीं है, आप अपने को हिट ही करोगे। तो सबसे पहली चीज थे अनिल जी कल वो हुआ तो कल से कोई बड़ा मतलब कोई बहुत बड़ी मतलब आप रीडिंग नहीं करिए, वो एक दिन था खत्म हो गया। हैविंग सेड दैट अनिल जी मार्केट रेंज में है अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक, चाहे वो मेरी दिवाली पिक्स हो या हमारा अभी भी है, मेटल्स बहुत तेज है अनिल जी, टाटा
मैंने आपको कहा था बैंड से निकलेगा चलेगा, आज भी एक 640 की मूव दिखाई, अभी भी 540 की, अभी भी 600 रुपए जाएगा। अनिल जी जिंदल स्टील में बाइंग है, HDFC लाइफ और अनिल जी बाकी सारे स्टॉक्स में भी, SBI के लिए भी अनिल जी मैं एक अपडेट देना चाहता हूं। हमने थर्सडे एक्सपायरी थी, वेंसडे को सुबह कॉल करके 240 पे बोला कि SBI लेना 350 का टारगेट, अनिल जी 350 दो दिन में तो नहीं होगा लेकिन वो दो घंटे में 252 हो गया, 252 से अनिल जी वापस 242 खड़ा हुआ है, कौन सी बड़ी बात हो गई है उसके अंदर। सो अनिल जी मार्केट है, मार्केट में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोलता हूं शॉर्ट ढूंढना है तो कोई स्टॉक स्पेसिफिक ढूंढिए, अगर आप इंडेक्स में करेंगे तो इट विल बी बिग इंजूरियस टू हेल्थ, और जो कल हुआ वो बार बार होगा, कॉल्स के साथ भी होगा, पुट्स के साथ भी होगा इस लेवल के मार्केट में। जी ओके, ये है आपके लिए मार्केट का पूरा आउटलुक। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल BTST कॉल का, और उसके बाद चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, खरीदारी की राय है सर, खरीदा है MFSL मैक्स फाइनेंशियल स्टॉक। अनिल जी एक ऑन द वर्ज ऑफ अ वेरी वीक ब्रेकआउट, अगर मैं देखूं इसका चार्ट पैटर्न तो 3 महीने से एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि यहां से एक स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। फिलहाल मैं यहां पर स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय दे रहा हूं, 620 621 के करंट लेवल्स पर। पहला इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए मेरे लिए रहेगा 630 रुपए का, जैसे ही स्टॉक 630 रुपए के ऊपर निकलता है या क्लोजिंग देता है मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मैसिव ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा और स्टॉक आने वाले दिनों में 660 से 680 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो MFSL में खरीदारी की राय है 610 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 630 और 650 रुपए के बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। ओके, 630 और 650 के छोटे टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी इस वक्त, ये है राय आपके लिए MFSL पर। आइए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस, और देख लेते हैं क्या है वो खबर, और वो खबर हम आपके सामने रखने की तैयारी में है इस वक्त। आइए हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए चेतन, बताइए क्या है खबर और किस कंपनी को लेकर आपके पास है खबर। सर जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज इस टाइम पे बता रहे हैं वो गेल से जुड़ी खबर है, भारत सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है उसको पूरा करने के लिए गेल भी कंट्रीब्यूट करेगा। जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि गेल बहुत जल्द एक बायबैक ऑफर कंसीडर करेगा जिसमें जो 25-30% की रेंज में होगा, जिसका मतलब अगर सोर्सेज ने बताया तो लगभग 120-130 रुपए के शेयर का पर शेयर के हिसाब से लोग बायबैक ऑफर करेंगे। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अगले 20-25 दिनों में एक बोर्ड मीटिंग कन्वीन करी जाएगी जिसमें ये प्रपोजल फॉर्मली अप्रूव किया जाएगा। लेकिन जो कंपनी की बात करें तो कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स और नेट कैश का इस्तेमाल करके ये बायबैक पे कर सकती है, क्योंकि कंपनी के रिजर्व्स जो अभी FY 2019-20 के हिसाब से वो थे 37,500 करोड़ हैं जो रिजर्व्स हैं, और सरप्लस है सितंबर 2020 के हिसाब से लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कंपनी के पास कैश है, और सरकार का अभी 52% होल्डिंग है गेल के अंदर, तो लगभग वो थोड़ा सा कम करके भारत सरकार अगर पैसा जमा कर सकती है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी खबर रहेगी गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने के लिए, और हाल ही फिलहाल जो गेल के शेयर होल्डर्स है उनके लिए भी काफी पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे रहेगी। सर दीप को बोलो, दीप। बिल्कुल, बड़ी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है अनिल जी, और बहुत ही बड़े प्रीमियम पे, जैसे कि हमें चेतन बता रहे हैं बहुत ही बड़े प्रीमियम पे ये बायबैक का आ सकता है। किस तरह से देखना चाहिए सर खबर को, गेल की तरफ से इतना बड़ा बायबैक? मेरे ख्याल से दीप, जो मेरी समझ है सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा बायबैक गेल का होगा, जितनी सरकारी कंपनियां आ रही है उसमें से गेल का सबसे बढ़िया बायबैक होगा, क्योंकि गेल है ना मुनाफा कमाने के मामले में दूसरों से कहीं आगे है, तो ये बायबैक आराम से 120-125 रुपए की रेंज का हो सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। गेल का बायबैक बड़ा होगा, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये कि 40-42 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, उस लिहाज से आप देखें तो 10-15% का बायबैक हो सकता है, प्रीमियम जो होगी बायबैक की वो 25% के आसपास की होगी।
टोटल फ्री फ्लोट 18,000 करोड़ के आसपास का है, उसमें से 4,000-5,000 करोड़ का भी अगर बायबैक होता है तो आप समझिए ये आराम से मिनिमम 120 मैक्सिमम 130 इस रेंज में आ सकता है और वहां से अपसाइड आपके लिए काफी तगड़ी होगी। तो सरकार के लिए बेहतर यह कि अपने जो उन्हें सरकारी कंपनियों में से पैसे चाहिए इस बायबैक में सरकार अपना शेयर टेंडर कर पाएगी, तो मुझे लगता है कि इतनी कंपनियों में सबसे बेहतरीन बायबैक जो आएगा वो गेल का आना चाहिए, क्योंकि दो चीजें हैं। पहली चीज प्रॉफिट मेकिंग के लिहाज से, कैश के लिहाज से गेल के पास कहीं कोई कमी नहीं है दूसरी कंपनियों के मुकाबले में, गेल का कैश प्रॉफिट कहीं ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि कैश रिजर्व्स हैं, प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही लोअर लेवल्स पे हैं और आपने देखा ही आज सुबह भी बसीन साहब गेल रिकमेंड करके गए थे, मुझे याद है सुमित जी लगातार कई बार से गेल रिकमेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पूरा ये पीएसयू का बायबैक प्रोग्राम चल रहा है इसमें से सबसे तगड़ा सबसे बेहतरीन बायबैक आपको गेल का आता हुआ दिखेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, गेल धीरे धीरे इवेंचुअली ये आराम से 105-110 की रेंज में आपको धीरे धीरे पहुंच जाए, ये ठीक उसी तरह के ट्रेड हैं दीप, जैसे आप आराम से शांति से लेकर बैठ जाएं थोड़े समय के लिए, कैसे आपने देखा ना टाटा स्टील किस तरह से धीरे धीरे बढ़ा है, SBI किस तरह से धीरे धीरे बढ़ा है, आपने वेदांता देखा कैसे हमने 95 रुपए से बोला 95 रुपए से 115 हो गया, देखते देखते आराम से पता ही नहीं चला कब हुआ, एक या दो दिनों में बड़ा जंप लगाया। गेल में भी एग्जैक्टली वही होने वाला है, आप आराम से देखेगा 105-110 तक ये गेल आराम से जाता हुआ दिखेगा। सबसे बढ़िया बात यह कि जब सरकार बायबैक कंसिडर कर रही है तो नीचे की रिस्क इसके लिए खत्म हो गई, गिरने की रिस्क गई, अब अपसाइड कितनी बनती हुई देखना, और प्रीमियम कम से कम 20-25% की प्रीमियम तो बायबैक पर यहां से होगी जो कि बहुत अच्छी गई जा सकती है। डिविडेंड फर्स्ट क्लास है आपके लिए, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, मतलब इससे ज्यादा आपको 13,000 की निफ्टी पर बढ़िया वैल्यू स्टॉक मिलेगा नहीं सरकारी कंपनियों में भी, सरकारी कंपनियों में तो वैल्यू है ही, सरकारी कंपनियों में भी जहां पर रिजल्ट्स अच्छे हैं फाइनेंशियल्स अच्छे हैं उनमें गेल एक है। तो मैं एक काम करता हूं सुमित जी से ही राय लेता हूं क्योंकि सुमित जी इस स्टॉक को बहुत क्लोजली देखते हैं और बहुत बार कई बार रिकमेंड भी कर चुके हैं। सुमित जी टारगेट एक तो शॉर्ट टर्म के लिए दीजिए आज कल के लिए और दूसरा टारगेट 5-15 दिन के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड करने वालों के लिए दीजिए गेल के लिए। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बार हमने रेकमेंड किया है गेल और स्टॉक बहुत बढ़िया दिख रहा है अभी चार्ट्स के ऊपर। सबसे बढ़िया बात आज जो देखने को मिल रही है गेल में, स्टॉक आज 200 डीएमए लेवल ब्रेक कर रहा है और पिछले 7 दिनों के कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट आ रहा है, तो इमीडिएट टारगेट इसके बनेंगे 100 रुपए से लेके 104 रुपए के, 100 रुपए से लेके 104 रुपए के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है और 104 के ऊपर एक बार सस्टेन करता है तो 110 से 115 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट बनेंगे। और स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 90-92 के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी रिसीवर रेशियो के हिसाब से भी बढ़िया बैठ रहा है, स्टॉक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 104 का पहला टारगेट, फिर 110 से 115 के लेवल गेल में जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बढ़िया मूव आ रही है, एक शानदार एक्सक्लूसिव स्टोरी का इंपैक्ट आप स्टॉक पर प्ले आउट देख रहे हैं, डेज हाई पर आ गया है गेल, चेतन के बोलने के बाद भी हमने देखा है कि स्टॉक में 2-2.5% की और तेजी आती हुई दिखी है, तो अच्छे प्रीमियम पर गेल का बायबैक आ सकता है, ये है आपके लिए जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। पर आइए और कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिनमें जबरदस्त तेजी इस समय आती हुई दिख रही है। बजाज फिनसर्व, ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 8,400 के पास पार जाते हुए दिख रहा है, बल्कि अब तो 8,500 के करीब बजाज फिनसर्व आपको पहुंचते हुए दिख रहा है, तो जबरदस्त तेजी बजाज फिनसर्व में आ रही है। और किरण जी हमारे साथ है तो उनसे एक व्यू तो लेना ही पड़ेगा, किरण जी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बजाज फाइनेंस भी अपने हाई से बस 200 रुपए ही दूर है, बताएं सर क्या चल रहा है इन दोनों चार्ट्स में? नहीं, कल के सत्र में थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो चुकी थी और जैसे ही वो ट्रैप होते नजर आए हमने एक वापस एक छलांग 8200 से 8500 के 300 पॉइंट की रैली देखने को मिली। मुझे लगता है अभी भी काफी शॉर्ट्स इस स्टॉक में है, तो मेरा मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है नहीं है, अभी थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस रहेगा बजाज फिनसर्व के लिए, अभी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 8,050 का, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। जब तक ये 8,050 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। इस मंथली एक्सपायरी के चलते मुझे लगता है एक बार के लिए 9,000 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं और उसके ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने अगर साथ दिया, मार्केट ने साथ दिया, तो ये एक मार्केट आउट परफॉर्मर जो कुछ पिछले 10 दिनों में देखने में मिला वो कंटिन्यू होता नजर आ जाना चाहिए।
ओके तो अगर ये सपोर्ट मिलता रहा तो नए हाईस की का आना तो आपको गारंटी दिख रहा है। बजाज फाइनेंस ज़्यादा दूर नहीं है अपने लाइफ हाई से, 200-225 रुपए की दूरी है बस इस समय। निफ्टी 100 अंकों का सुधार है, शानदार मूव आ रही है, बैंक निफ्टी 400 अंक ऊपर है, बढ़िया एक्शन वहाँ पर आते हुए दिख रहा है और अच्छी खरीदारी इन सभी स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू लेना ज़रूरी है। कोटक महिंद्रा बैंक, अच्छी खरीदारी कोटक बैंक पर आती हुई दिख रही है, लाइफ हाई पर है ये स्टॉक और फ्रेश मूव आते हुए दिखा रहा है इस समय। वागली साहब, कोटक बैंक ट्रेड करना चाहिए, अब 1900 के पार जाएगा कोटक? दीपांशु, पोजिशनली ट्रेड करना चाहिए, मैं आज लेके कल मॉर्निंग में बेचने वाला ट्रेड नहीं होगा। 2 से 3 दिन का व्यू अगर आप लेते हो तो 1960 तक के अपसाइड देख रहा हूँ, 1850 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कोई भी गिरावट आती है ऐड करना चाहिए, 1848 कट भी डिसाइड स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1960 का टारगेट, पोजिशनल 1 से 2 दिन। ओके तो 1 से 2 दिनों के लिए आप अगर पोजिशनल कॉल यहां पर लेंगे तो और भी अच्छी मूव आपको आती हुई दिख सकती है। नजर रखिए कोटक बैंक पर, बाजार की एक मूव में इसका भी अहम रोल आते हुए दिख रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, M&M फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स में निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है, तो हाई बीटा फाइनेंशियल्स ही हैं जो इस समय मार्केट एक्शन को ड्राइव कर रहे हैं। L&T फाइनेंस यहां पर निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिखी है, कुछ ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स भी हैं जो मूव दिखा रहे हैं। टाटा स्टील 2% ऊपर है, आशु जी ने कहा ये तो 600 के लेवल्स दिखाने की तैयारी में है, तो वहां पर भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। टाटा मोटर्स अब 170 के लेवल्स पर आ गया है, तो उसका भी पार्टिसिपेशन आप फिलहाल आते हुए देख रहे हैं इस बाजार में। पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया मूव आ रही है और आज सुबह से हम देख रहे हैं, भारतीय इंफ्राटेल एक अच्छी जंप लगाते हुए दिख रहा है। सचिन जी ने भी सुबह कहा था यहां पर नजर रखिए, 12.5% का उछाल है भारतीय इंफ्राटेल में। कुणाल जी, और अपसाइड इस पर देखते हैं या फिर अब कैप्ड है भारतीय इंफ्राटेल जिस तरह से आज रिकवरी आई है स्टॉक में? देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, मुझे लगता है कि अभी और अपसाइड बाकी है, क्योंकि देखिए नीचे काफ़ी एक बड़ा डाइवर्जेंस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो डाइवर्जेंस एकदम साफ दिखती है, और मुझे लगता है इस डाइवर्जेंस के चलते वापस से एक बार 230-232 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो अभी भी यहां से 20 रुपए का अपसाइड मुझे चार्ट पर दिखता है। जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें, 200 का स्टॉप लॉस रख लें, 230 का टारगेट। ओके, 200 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट, नजर रहिए भारतीय इंफ्राटेल पे, बढ़िया कैचअप उसमें आ रहा है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, उनके कॉल के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और स्टॉक का भाव चल रहा है 79। स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज, आज के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है दीपांशु, पर आज यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। नेक्स्ट वीक तक ये स्टॉक में मेरे को लग रहा है 8 से 10% का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। सीएमपी पे प्राज में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो पोजीशंस को होल्ड करें, क्योंकि जस्ट अभी ब्रेकआउट आ रहा है। 85 से 90 के होंगे स्टॉक के इमीडिएट टारगेट, नीचे में 74-50 के आसपास का स्टॉप लॉस बनाए और खरीदारी करें। 85 से 90 के इमीडिएट टारगेट है। इस बार अगर स्टॉक ने 90 का लेवल तोड़ा तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमको 3 डिजिट में देखने को मिलेगा, यानी 100 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, और ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 1-2 हफ्ते के अंदर ही ये लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो प्राज में यहाँ पे खरीदारी करें, 74-50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए 85 से 90 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए, और फिर पोजिशनली 100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए बड़ी एक कॉल प्राज इंडस्ट्रीज पर, वहाँ पर नज़र रखिए। आज सुबह शायद अमरीश सर भी इस पर कॉल देकर गए हैं, प्राज इंडस्ट्रीज उनकी पोजिशनल कॉल थी, 110 का उनका टारगेट है। सुमित जी को लग रहा है 100 तक का तो लेवल्स आ ही सकते हैं, बट फिलहाल 85 से 90 के टारगेट्स के लिए नज़र रखिए। पर एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई, और अनिल जी आपसे भी इस पर व्यू चाहूँगा, दिल्ली और मुंबई के बीच में फ्लाइट सर्विसेज बंद हो रही हैं और शायद ट्रेन सर्विसेज पर भी रोक लगाने की खबर आती हुई दिख रही है, तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है सर, शायद ये कोरोना मामलों के में जो उछाल आए हैं दिल्ली में उसको ही लेकर है, बट दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन बंद करने पर फैसला जल्द आएगा और फ्लाइट सर्विसेज बंद हो रही हैं, तो जो कुछ जहां से आंशिक प्रतिबंध हम देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर आ रहे हैं, शायद ये उसी का असर आते हुए दिख रहा है सर?
बिल्कुल दीप, ये बड़ी खबर है इस वक्त है दिल्ली में, जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले ये भी खबर आई थी कि दिल्ली और नोएडा की सीमा पर रैंडम चेकिंग होती हुई दिख रही है लोगों की, और रैंडम कोरोना टेस्टिंग हो रही है। लेकिन अब दिल्ली और मुंबई के बीच में फ्लाइट सर्विस बंद होने का फैसला शायद महाराष्ट्र सरकार ले रही है, इस तरह की खबरें आती हुई दिख रही है। ये शायद महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि इस तरह का फैसला लिया जाए कि दिल्ली और मुंबई के बीच में ये फ्लाइट बंद की जाए, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये है तो ये बड़ा झटका है एविएशन कंपनियों के लिए। मेरे ख्याल से इंडिगो और बाकी स्टॉक आपके सामने रखने चाहिए, स्पाइस जेट वगैरह, क्योंकि ये स्टॉक इस उम्मीद में काफी तेजी से भागे थे कि यहां पर अब रिकवरी के आसार आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर फिर से हम पुरानी तरफ बढ़ रहे हैं और अगर ये खबरें आ रही कि मुंबई और दिल्ली के बीच में जो दो सबसे अहम शहर हैं हिंदुस्तान के कारोबार के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से, वहां पर अगर फ्लाइट बंद करने का फैसला आ रहा है, और साथ ही अब ये भी खबरें आ रही कि मुंबई और दिल्ली के बीच में शायद ट्रेन्स बंद कर दी जाए, ट्रेन्स भी बंद करने पर फैसला हो सकता है। ये हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो ये खबर लेकर आए हैं। समीर, ट्रांसपोर्टेशन और एविएशन और साथ ही रेलवे पर बड़ी गहरी और पैनी नजर रखते हैं। समीर, पहले तो खबर बताइए, क्या खबर है आपके पास और क्या इस वक्त दिल्ली और मुंबई के बीच में फ्लाइट सर्विसेज बंद करने पर फैसला हो रहा है? बिल्कुल अनिल जी, आपने ये बिल्कुल ठीक अभी जानकारी दी है सभी दर्शकों को कि महाराष्ट्र सरकार ने ये एक एडवाइजरी जारी करी है कि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का जो बेकाबू स्थिति बनी हुई है, कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये एडवाइजरी जारी करी है कि सबसे पहले तो फ्लाइट सेवाओं को अस्थायी तौर पर रोका जाए, और इसके बाद में यह भी सुझाव दिया गया है कि जो ट्रेन सेवा इस वक्त चल रही है दिल्ली और मुंबई के बीच में, दिल्ली मुंबई के बीच में, इस पर भी आंशिक तौर पर, अस्थायी तौर पर इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन सबसे पहली जो असर जिस पर हम देख सकते हैं वो हवाई सेवाओं पर देख सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार ने एडवाइजरी दी है कि जो फ्लाइट सर्विसेज है उसको दिल्ली मुंबई के बीच में फिलहाल रोका जाए। और इसकी सीधी वजह यह है कि दिल्ली में कोरोना जो लगभग बेकाबू स्थिति में है, रोजाना के जो कोविड पॉजिटिव केसेस है उनकी संख्या 7 या 8 हजार की संख्या को पार कर रही है, उससे एहतियातन बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये एडवाइजरी जारी करी है। लेकिन आपको ये बता दें कि चूंकि अगर हवाई सेवाओं को रोकना है, बंद करना है, तो इसमें केंद्र सरकार का यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री का भी रोल है, लिहाजा इसमें अभी एविएशन मिनिस्ट्री का क्या स्टैंड है और वो इस एडवाइजरी को कितना स्वीकार करता है, ये अभी स्पष्ट थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से एहतियातन ये एडवाइजरी जारी किया है कि जो दिल्ली की स्थिति है वो कहीं वैसा ही एक रेप्लिकेट सिचुएशन महाराष्ट्र में ना हो जाए, खासकर मुंबई में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लगातार देश में कोरोना की स्थिति बेकाबू हो रही थी तो महाराष्ट्र नंबर वन लगभग स्थिति में बना हुआ था, तो वैसी स्थिति कहीं दोबारा महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में पैदा ना हो जाए, इसको देखते हुए ये एक अहम एडवाइजरी महाराष्ट्र सरकार ने जारी करी है कि जो फिलहाल एयर ट्रैफिक है, जो फिलहाल हवाई सेवाएं हैं जो दिल्ली मुंबई के बीच चल रही है, इसको अस्थायी तौर पर रोका जाए। और इसके लिए लगभग सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंतिम मुहर जो है उसमें केंद्र सरकार की भूमिका है, एविएशन मंत्रालय की भूमिका है, तो वो स्थिति अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि बहुत अहम ये एडवाइजरी है, क्योंकि इसका जो असर है वो रेल सेवाओं पर भी आप देखेंगे कि रेल सेवाओं को भी उस पर उसका असर आप होता हुआ देख पाएंगे। समीर एक चीज बताइए, ये जो आप एडवाइजरी की बात करें, एडवाइजरी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाकई में रोक लग गई है, रोक लगाने पर विचार हो रहा है, इसका मतलब क्या, एग्जैक्टली क्या मतलब है? सर बिल्कुल वाजिब सवाल, क्योंकि एडवाइजरी का सीधा मतलब यह है कि राज्य सरकार सबसे पहले इसमें केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करके ये बताएगी कि भाई ये हम ऐसा चाहते हैं कि आप हवाई सेवाओं को रोक दें। लेकिन जब तक केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि जो सेंट्रल एविएशन मिनिस्ट्री है, जब तक वो इसमें सहमति नहीं जताएगी तब तक आप हवाई सेवाओं को नहीं रोक सकते। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोक नहीं लगी हुई है, लेकिन ये स्थिति थोड़ी देर में स्पष्ट इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि ये लगभग सभी जगहों पर इस बात की सूचना पहुंच गई कि हवाई सेवाओं को रोका जा सकता है, तो ये कहीं पैनिक सिचुएशन ना बन जाए इसके लिए केंद्र सरकार को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण या जो भी अगला कदम है वो लेकर के सामने आना होगा। फिलहाल एडवाइजरी का मतलब यही है कि ये महाराष्ट्र सरकार ने इस कदम के लिए केंद्र सरकार को सूचित किया है कि भाई आप हवाई सेवाओं को रोके ताकि दिल्ली के जो बढ़ते संक्रमण का असर है वो कहीं महाराष्ट्र पर भी ना पड़े। लेकिन ये जो मांग रखी है इस पर अंतिम फैसला जो केंद्र है उसकी सहमति के बाद ही बनता वो नजर आएगा। जी अनिल जी, ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त की बड़ी खबर, और ये खबर आती हुई दिख रही है आपके लिए पूरी तरह से यहां पर
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी है और महाराष्ट्र सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है कि मुंबई और दिल्ली के बीच में फ्लाइट सर्विसेज पर रोक लगनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस बीच कोरोना के बढ़ते असर का असर आप कई सारी एक्टिविटीज पर देख रहे हैं। ये है आपके लिए एक बड़ा एक्शन वाला वक्त जो जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे और फोकस करते हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे भी हम करेंगे बातचीत और उनसे भी लेंगे उनके कुछ बेहतरीन कॉल्स, और साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, उनसे भी हम कुछ और बात करने की तैयारी में हैं, कुछ और एक्सक्लूसिव खबरों की तैयारी में है। लेकिन दीप इस वक्त बड़ा एक्शन होता दिख रहा है और बड़ी खबरें आती दिख रही है। कोरोना का जो असर अमेरिका में था अब यहाँ पर भी होता दिख रहा है। आपने देखा अहमदाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया, दिल्ली नोएडा की बॉर्डर को सील किया गया, अब फ्लाइट सर्विसेज पर ये चीज जारी होती दिख रही है। दीप बिल्कुल अनिल जी, और बहुत भारी प्रभाव इसका हो सकता है क्योंकि हमारी रिसर्च टीम कुछ डेटा शेयर कर रही है सर, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, एयर कॉरिडोर है, वो ऑब्वियसली भारत का सबसे बिजी कॉरिडोर है और इसमें हाईएस्ट ग्रोथ सितंबर के महीने में दी गई थी। अगस्त के मुकाबले देखें तो बुकिंग्स में 97% का जंप आया था इस पीरियड में, और साथ ही वर्ल्ड का थर्ड बिजिएस्ट रूट है मुंबई दिल्ली एयर रूट। तो डेफिनेटली एक भारी प्रभाव पड़ सकता है एयरलाइंस के लिए क्योंकि हैवीएस्ट ट्रैफिक वाला जो डोमेस्टिक रूट है मुंबई दिल्ली, वहां पर ये रोक लगने की खबर आ रही है। स्टॉक्स पर रिएक्शन हुआ, उसके बाद थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये फिलहाल एडवाइजरी है, फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, पर नजर रखिए। यहां पर एक व्यू मैं इंटरग्लोब एविएशन पर भी ले लेता हूं किरण जी से। वैसे तो किरण जी काफी अच्छी रफ्तार में था इंटरग्लोब एविएशन, बट अब खबरों के दम पर रिएक्शन आया, कौन से अहम लेवल्स हैं यहां पर नजर रखने के लिए सर? देखिए अभी रेजिस्टेंस के तौर पे मेरा मानना है कि 1700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक इसके नीचे है तब तक मुझे लगता है कि इस न्यूज के चलते और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, पर अभी आज की बात करें तो हमने 1725 से सीधा 1655 ये बड़ी दूरी तय की है, तो मेरा मानना है कि आज के लिए यही लेवल्स रहेंगे। पर अगर शॉर्ट पोजिशन है तो 1700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और लॉन्ग पोजिशन है तो एक बार काट लेनी चाहिए। तो ये है आपके लिए इस वक्त बड़ी खबर आती है, लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ी सावधानी रखें, और फिर अभी भी चार्ट्स वैसे मजबूत है, बहुत कमजोर होने हैं। स्पाइस जेट भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसलता हुआ दिखा, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, वैसे भी स्पाइस जेट 50% चल चुका है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी भी खबर प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेगी। ये है आपके लिए इंडिगो और स्पाइस जेट पर फोकस पूरी तरह से, और स्टॉक जिन लेवल्स पर है जाहिर सी बात है इस तरह की खबरें पचाना थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर इन स्टॉक्स के लिए है, तो यहां आपको रखना है पूरा फोकस। आइए कुछ और बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं और आपको कुछ और एक्शन बताने के लिए तैयार, लेकिन इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है सामने, और ये खबर हम आपके सामने रख दें। जो खबर घरेलू इंडस्ट्री को राहत देने की खबर आती दिख रही है, किस तरह की राहत मिल रही है वो हम आपके सामने रख दें। एक बार जापान और रूस से पैथेलिक एंड्राइड पर ड्यूटी लगाई जा रही है, ओके, तो सरकार की तरफ से ये ड्यूटी लगी है, ये बिग ब्रेकिंग खबर है और सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखना है कि किन कंपनियों के लिए फायदे की बात होगी, आईजी पेट्रो और साथ ही यहाँ पर जो खबर है वो मैं आपके सामने पूरी रख दूँ। जापान और रूस के से जो ये किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है, तिरुमलाई केमिकल और आईजी पेट्रो, इन दो कंपनियों ने शिकायत की थी और इनकी शिकायत पर ये ड्यूटी लगी है 31 जनवरी 2021, ओके, इस समय तक के लिए ये ड्यूटी लग चुकी है। आइए हमारे संवाददाता चेतन भुटानी हमारे साथ है इस पूरी खबर को लेकर। चेतन पहले तो बताएं क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, क्या ये खबर ऑफिशियल है, यदि हाँ तो क्या खबर, क्योंकि मुझे याद है कुछ समय पहले आपने कहा था कि इस तरह की ड्यूटी लगाने पर सरकार विचार कर रही है, क्या ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया है, आ गया तो क्या डिटेल्स और किन कंपनियों के लिए फायदे की बात है? सर बिल्कुल, जी बिजनेस की खबर एक और खबर पर इनफैक्ट मोहर लगती है, नजर आ रही है। जी बिजनेस ने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था कि DGTR ने रिकमेंडेशन भेजी है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो केमिकल एपिटैलिक एनहाइड्राइड जो प्लास्टिक और इंसेक्टिसाइड्स की इंडस्ट्री में यूज होता है उसको उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात सुनकर और DGTR की रिकमेंडेशन के ऊपर ये फाइनल नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है, जिसमें जो पिथैलिक एनहाइड्राइड है उसमें लगभग एक साल तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी इस केमिकल पर लगा दी गई है, जिसका मतलब ये है कि जो ये कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं स्पेशली थिरुमलाई केमिकल और आईजी पेट्रो जो 90% मैन्युफैक्चरर है इस केमिकल का,
जो इंसेक्टिसाइड्स और प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में यूज होता है उनके लिए बहुत फायदे की खबर, क्योंकि एक साल में जो भी नुकसान कंपनी को ऑफसेट करना था इसके चीप इंपोर्ट से वो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, नेचुरली जो आगे जाकर कैश बुक्स में और बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होगा। ओके तो ये है आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही तिरुमलाई केमिकल और आईजी पेट्रो के लिए, यहाँ पर ड्यूटी लगती हुई दिख रही है और ये ड्यूटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तिरुमलाई केमिकल मुझे याद है सुमित जी ने कई बार अपने सैटेलाइट के तौर पर भी इस स्टॉक को शामिल किया, स्टॉक का केमिकल स्टॉक्स में काफी मजबूत शेयर और इस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर भी। जरा सुमित जी बताएं चार्ट देखकर क्या करना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी मैं इसी स्टॉक पे आ रहा था, तिरुमलाई केमिकल के अंदर ब्रेकआउट है, तिरुमलाई केमिकल वैसे भी लास्ट 5 से 7 दिनों में तेजी दिखा रहा है और अब ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। ये न्यूज का इंपैक्ट स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव मूव लेके आएगा जिसके अंदर स्टॉक 3 डिजिट के अंदर देखने को मिलेगा, इसको स्टॉक को खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 88 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में स्टॉक में आने वाले दिनों में 100 रुपए का तो इमीडिएट टारगेट है, ये लेवल भी ब्रेक होंगे और 105 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो तिरुमलाई के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है, चार्ट भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, 100 से 105 का टारगेट, 88-89 के आसपास का स्टॉप लॉस। ओके तो ये है आपके लिए तिरुमलाई केमिकल्स पर राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं विकास सेठी साहब बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर कितनी पिक्स है और किस तरह की आज के लिए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, आज भी 2 पिक्स है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक और दोनों में खरीदारी करने की सलाह। ओके बताएं सर शुरुआत कीजिए। जी हाँ शुरुआत कीजिए। अनिल जी जो कैश मार्केट की स्टॉक है, एक तो पहले कल जो कैश मार्केट का स्टॉक मैंने रिकमेंड करा था ग्लैक्सो फार्मा, 445 के लेवल 1525 के टारगेट थे, अभी 1518-19 के है, 1525 के टारगेट आज अचीव हो गए उसमें, तो एक तो वो अच्छा किया उस स्टॉक ने। बाकी जो आज का पहला स्टॉक है वो देखिए अनिल जी, मुझे अभी पेपर सेक्टर बिल्कुल फोकस में आता हुआ नजर आ रहा है, सभी पेपर स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी चल रही है, मुझे लगता है यहाँ से जैसे को करंट लेवल पे जो 97 के लेवल है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है विद इन द पेपर स्पेस, इन्होंने कुछ महीने साल पहले सिरपुर पेपर का भी एक्विजिशन किया था तो उसका भी एक फायदा इनको मिल रहा है। फिर जिस तरह से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन किया था, फिर ये जो लॉकडाउन के बाद जो ऑनलाइन जो बिजनेसेस चल रहे हैं उसमें पैकेजिंग पेपर की जरूरत होती है, तो इन सबको देखते हैं मुझे लगता है पेपर सेक्टर जो कि काफी एक नीचे लेवल पे ट्रेड करता है, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। फंडामेंटल्स इस कंपनी के बेहद ही शानदार है, वैल्यूएशन देखेंगे तो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल से 6 का है, डिविडेंड दिया कंपनी ने पिछले साल 4 रुपए का जो कि अराउंड 4.25% की डिविडेंड यील्ड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है और पिछले 3 साल में प्रॉफिट्स में 38% की दर से ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। और एक और अनिल जी एक और खबरें मुझे ऐसे पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, यूएस में टॉयलेट पेपर की डिमांड जबरदस्त बढ़ रही है और वहां पे टॉयलेट पेपर की बहुत बड़ी शॉर्टेज चल रही है, मुझे लगता है उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पेपर के प्राइसेस में आना चाहिए। हालांकि जेके पेपर शायद टॉयलेट पेपर के सेगमेंट में नहीं है, वहां पे ओरिएंट पेपर नाम की जो कंपनी है वो शायद बनाती है, बट मुझे लगता है सभी पेपर स्टॉक्स में तेजी का माहौल आने वाले दिनों में दिखना चाहिए, तो जेके पेपर पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा टारगेट रहेगा 110 रुपए का। ओके अच्छा यूएस में मैंने भी कहीं ट्वीट में पढ़ा था, ये सेठी साहब सही बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों ने ना ट्वीट पे डाला है कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर के फोटो डाल रहे हैं और जो टॉयलेट पेपर वाला जो सेगमेंट है जहाँ पर वो रखे हुए जाते हैं वो राउंड राउंड वाले गोल गोल बंडल ऐसे गट्ठर टाइप जो वो सारे खाली पड़े हुए, कोई ऐसी खास वजह कि खाली टॉयलेट पेपर ही कम पड़ रहे हैं वहाँ पर? नहीं अनिल जी ये जो अगर आपको ध्यान हो तो अप्रैल मई में भी लोग जब घरों में तो भी उस समय भी ऐसा सीन था यूएस में और अभी भी ये लगता है कि लोग चूंकि ये थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन वापस से शुरू हुआ है तो लोगों को डर लगने लगा, तो काफी इन एंटिसिपेशन खरीदारी हो रही होगी, बट ये सेल्स पे जो स्टोर्स के सेल्स पे टॉयलेट पेपर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, लोग दूसरे दूसरे सिटीज से ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो इस तरह का मंजर है यूएस में अभी टॉयलेट पेपर का।
क्या बात है, गजब, चलिए बहुत बढ़िया। वैसे फ्राइडे मस्ती की पाठशाला है, तो थोड़ी देर में बाद में आता हूँ, हमारे एक्सपर्ट्स भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर में मैं पहुंच रहा हूँ। तब तक एक बार जल्दी से सेठी साहब की दूसरी पिक ले लें, क्योंकि उसके ठीक पीछे नितिन जी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। और नितिन जी की तो कंप्लेन रहती है कि भाई मेरा जल्दी से ले लिया करो, क्योंकि उनके पुट वुट है ना, फटाफट से कॉल पुट जो भी है जल्दी से बदल जाते हैं। तो नितिन जी के लिए को भी हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, उन्हें कनेक्ट करेंगे। तब तक आइए सेठी साहब, आपका दूसरा स्टॉक बताएं सर। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो भी देखिए, एक एमएनसी कंपनी है, कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल। ये कंपनी ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स और फ्लूइड्स बनाने वाली कंपनी है। हाल ही में एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में भी जो रिजिंग हुआ उसमें इस स्टॉक का एडिशन हुआ है। और देखिए, हमने देखा ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, ऑटो जो कंपनी है उनके सेल्स नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और उसके ऊपर हमने देखा ऑटो कंपोनेंट कंपनीज में अच्छी तेजी हुई, टायर कंपनीज में हुई, बैटरी कंपनीज में हुई। तो ये जो लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है कैस्ट्रॉल, जो कि लीडिंग कंपनी है, यहाँ पे मुझे लगता है जो करंट लेवल है 120-121 के, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, सितंबर क्वार्टर के नतीजे भी काफी अच्छे थे, इन्होंने जो प्री कोविड पिछले साल का सितंबर क्वार्टर था उसके बराबर का प्रॉफिट बताया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% का इस कंपनी का। एक डेट कंपनी है, अच्छी खासी प्रमोटर हिस्सेदारी है, फॉरेन मल्टीनेशनल का पेरेंटेज है, तो उससे भी काफी एक कॉन्फिडेंस आता है, और एक अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक करता है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम 135 तक के लेवल्स देख सकते हैं, तो इसमें खरीदारी करने की। सेठी साहब, ऐसे तो मेरे नहीं बोलूंगा कि आप हमारे से बहुत इंस्पायर हो गए हो, इंस्पायर तो आमतौर पर हम ही आपसे होते हैं, लेकिन इंसिडेंटली आज दोनों स्टॉक आपके ऐसे हैं, जेके पेपर और कैस्ट्रॉल, जो हमने मालामाल वीकली में इनको कवर किया है, दोनों ही फंडामेंटली बेहद मजबूत स्टॉक है। अच्छा, मजे की बात ये, दोनों स्टॉक चले नहीं, बाकी कई सारे स्टॉक जैसे मैं कल देख रहा था मोंटे कार्लो भी 125 हो गया, वो भी हमने शायद 85-90 रुपए के आसपास किया होगा, कई सारे स्टॉक्स ऐसे भाग गए, लेकिन ये दोनों ही बचे रह गए। शायद आप ही के मिडास टच की जरूरत थी सेठी साहब, दोनों दमदार स्टॉक है। नहीं बिल्कुल अनिल जी, अभी देखिए आप आने वाले दिनों में, मुझे पक्का विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि दोनों ही चलेंगे, और ये बिल्कुल दोनों अच्छा करेंगे। और आप, मैं तो शॉर्ट टर्म पिक बोल के बोल रहा हूँ, बट ये मीडियम से लंबी अवधि के लिए रखने लायक स्टॉक्स है। बिल्कुल, आपने मालामाल वीकली में कवर किया है, तो डेफिनेटली फंडामेंटली भी आप और ज्यादा एक स्टैंप लगेंगे, स्टॉक बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है दोनों। बिल्कुल, ये दोनों ही हमारे धैर्य का इम्तिहान लेते हुए स्टॉक, अब धैर्य खत्म, अब इम्तिहान की घड़ियां खत्म, अब नतीजा आने की तैयारी। जब सेठी साहब ने हाथ लगा दिया और रिकमेंड कर दिया, तो फिर कहना ही क्या है, ये है आपके लिए इस वक्त इन दोनों स्टॉक्स पर आए। हाँ, पेपर स्टॉक्स, आशीष सर क्या खरीदेंगे, पेपर स्टॉक्स या फिर पेपर ही खरीदेंगे, शॉर्टेज हो रही है तो? नहीं अनिल जी, पेपर स्टॉक्स ही खरीदेंगे। पेपर तो जैसे सेठी साहब ने बताया कि वो हमारे यहाँ तो अनिल जी वो ड्राई और वेट दोनों सिस्टम है, और यूएस में वेट सिस्टम नहीं है, ड्राई सिस्टम है, इसलिए वहां पे ये पेपर स्टॉक की वो हाइजीन फैक्टर की वजह से भी और एसेंशियल आइटम की वजह से भी मारामारी हो जाती है। और ये जो पिक्चर्स हमने पहले भी देखी थी, जब मार्च अप्रैल का लॉकडाउन हुआ था, कि वो ट्रॉलीज भर भर के टॉयलेट रोल्स और सब तरह के रोल्स गए थे, और शायद वही वाला जो रिपीट हो रहा है। तो वहां का अनिल जी थोड़ा सिस्टम वो वेट और ड्राई वाला ड्राई है, यहाँ पे तो दोनों है, तो इसलिए यहाँ अनिल जी ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ स्टॉक ही खरीदेंगे। ठीक बात है, चलिए, तो पेपर स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है आपके लिए आशीष सर की तरफ से। कमी जो है पेपर्स की वो अमेरिका में है, अब अमेरिका की कमी दुनिया भर में पहुंचती है, या वहां पर अगर सप्लाई बढ़ती है यहां से, तो फिर यहां पर दाम बढ़ते हैं क्या, सेंटिमेंट के लिहाज से ये खबर है आपके लिए काम की। आइए, आपका सेंटिमेंट सुधारने के लिए, बनाने के लिए तैयार है नितिन जी, निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए तैयार, बिल्कुल के बाद। नितिन जी स्वागत है आपका, बताएं सर क्या करना है। अनिल जी 12,900 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 93-94 रुपीज में मिल रही है सामने सामने, तो ये कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको करीब 55 रुपए के आसपास, 55 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका टारगेट 125 से 130 रुपए होगा। तो ये 12,900 की कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे, 93-94 ऐसे आपको बाइंग करना है, 125-130 ऐसे टारगेट होंगे, 55 के स्टॉप लॉस, 125-130 के टारगेट, 12,900 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। वजह नितिन जी, डेटा मजबूत बन रहे हैं वापस से? जी अनिल जी, आज जब मार्केट नीचे आई थी तो उस लेवल पे काफी बाइंग हुई है,
और कंपैरेटिवली इस पूरे वीक में आज बहुत अच्छा डेटा बना है, तो डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि मंडे को पॉजिटिव ओपनिंग मिलनी चाहिए और आज की क्लोजिंग यहां से और हाईस पे हो सकती है, यानी कि हो सकता है 12900 के ऊपर फ्यूचर आज क्लोजिंग दे और बैंक निफ्टी 29500 की तरफ क्लोजिंग दे 150-200 पॉइंट ऊपर। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन में बने रहना चाहिए या बाय करना चाहिए, और बैंक निफ्टी में भी डेटा काफी स्ट्रांग बन रहा है तो बैंक निफ्टी की भी स्प्रेड हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में नेकेड ऑप्शंस नहीं लूंगा मैं, बैंक निफ्टी की हम स्प्रेड क्रिएट करेंगे। बैंक निफ्टी में हम एट द मनी कॉल खरीदेंगे 29400 की हम कॉल ऑप्शन लेंगे और उसके अगेंस्ट हम ऊपर 29800 की हम कॉल ऑप्शन अनिल जी बेचेंगे। इस पूरे प्रोसेस में बस्टिंग 160 रुपए की लग रही है, इसमें स्टॉप लॉस हम 100 रुपए का रखेंगे और टारगेट करीब 250 का रखेंगे, यानी 100 रुपए मुझे मिल सकते हैं, 50 रुपए का हम रिस्क कर रहे हैं। तो बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी में भी करेंगे और निफ्टी में नेकेड कॉल ऑप्शन करेंगे। तो बुलिश व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी में रहेगा और निफ्टी में भी नितिन जी कह रहे हैं 12900 की कॉल खरीद कर जाइए, अच्छी अपसाइड मूव यहां से भी आपको आती हुई दिख सकती है। कई सारे और स्टॉक सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी मूव आ रही है, उनमें से एक स्टॉक है जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए और ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स। हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं टाटा केमिकल्स में किस तरह का एक्शन आ रहा है, आइए मानसी से जानते हैं क्या है कुछ ट्रिगर्स जो टाटा केमिकल्स को ऊपर ले जा रहे हैं, बताएं मानसी। बिल्कुल दीपांशु, देखिए पिछले 5 दिनों में ही 10% तक का अपटेक टाटा केमिकल के स्टॉक में देखने को मिला है। दरअसल इनके कोर बिजनेस और साथ ही अन्य कारोबार का प्रदर्शन जो है वो काफी अच्छे लेवल्स पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां पर काफी हद तक सहारा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश उत्पादक कंपनी है और सोडा ऐश मांग की ही स्थिति को अगर देखें काफी अच्छे लेवल्स पर है, मांग में रिकवरी देखने को मिल रही है और खासतौर से डिटर्जेंट और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से काफी हद तक सहारा मिल रहा है। आपको बता दें अगस्त 2020 के बाद हमने देखा कि कल 357 के रिकॉर्ड हाई स्तर स्टॉक प्राइस ने देखे हैं। खास तौर से इनके कारोबार की अगर बात करें तो इनके ऑपरेशंस ग्लोबली एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में अब है और साथ ही केमिकल सेक्टर में काफी हद तक रिकवरी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में मांग जो है वो धीरे धीरे वापस लौटती हुई देखने की पूरी उम्मीद है और कंपनी के प्लांट ऑपरेशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो लगातार हम देख रहे हैं उसमें सुधार है और प्री कोविड स्तर के बिल्कुल करीब ये पहुंचते हुए दिखे हैं। इनके खास दो सेगमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल्स और सिलिका बिजनेस, जिनमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में एक मजबूती का ट्रेंड बिल्कुल जारी है। इतना ही नहीं, अपनी सब्सिडियरी रैलिस इंडिया के जरिए क्रॉप प्रोटेक्शन में भी अच्छी पकड़ कंपनी ने बनाई है। मैनेजमेंट की ताजा कमेंट्री की अगर बात करें तो एंटी डंपिंग ड्यूटी से भारतीय कारोबार में मजबूती देखने को मिली है। Q4 FY21 तक घरेलू कारोबार पूरी तरह से पटरी पर आने की कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है। विदेशी कारोबार में रिकवरी की जरूरत है जो कि धीरे धीरे आती हुई जरूर दिखेगी और कंटेनर ग्लास सेगमेंट की अगर बात करें यह सेगमेंट अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। साथ ही चीन से कॉम्पिटिशन जो कम हुई है इसका काफी हद तक कंपनी के कारोबार को फायदा मिलता हुआ दिखा है, तो अच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में संभावना पूरी है कि रिकवरी मोड ग्लोबली और साथ ही डोमेस्टिकली जो देखने को मिल रहा है उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो डेफिनेटली टाटा केमिकल एक स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, जबरदस्त मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ और स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, सुमित जी की तरफ से, सुमित के सुपर हिट। बताइए सुमित जी। दीपांशु, अभी पेपर स्टॉक्स की बात हो रही थी, सेटी साहब आए थे, वो बोल रहे थे पेपर पूरा सेक्टर अच्छा दिख रहा है, तो मेरे रडार पे पेपर स्टॉक ही आया है। 110-111 का अभी भाव है, 111 का। स्टॉक का नाम है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड, जिसका सिंबल है TNPL। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, ये स्टॉक नीचे में बेस बना के चैनल ब्रेकआउट दे रहा है, डबल बॉटम ब्रेकआउट है और स्टॉक यहां से एक बड़ी छलांग और बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। जिस तरह से पेपर स्टॉक में एक एक करके चाल आई है, जिस तरह से सेटी साहब बोल के गए हैं, मेरे को लग रहा है कि ये TNPL यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने वाला है, जिसके अंदर 118-120 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया अगर रखेंगे तो 125 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 106 रुपए 107 रुपए के आसपास है, तो ये स्टॉप लॉस लगाए, खरीदारी करें। 118-120 के इमीडिएट टारगेट वो लेवल ब्रेक होते हैं तो 125 रुपए तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर TNPL के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए TN न्यूज प्रिंट जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। पर आइए अनिल जी के पास चलते हैं, आज थोड़ा डिले हो गया क्योंकि इतनी सारी खबरें आ रही थी, जान लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स में अभी भी सुस्ती है, एक बहुत ही छोटी रेंज में पूरे दिन ट्रेड हुआ है, पर उस रेंज के हिसाब से देखें तो थोड़ा रिकवरी जरूर है, बट फिलहाल 135 अंक अभी भी डाउ फ्यूचर्स नीचे दिख रहे हैं। नैसडैक फ्यूचर्स रिकवर होकर एकदम सपाट हो गए हैं। यूरोप में सुस्त शुरुआत हुई थी सर, पर अब आप पॉजिटिव एक्शन यूरोप के बाजारों में देख रहे हैं, हल्की सी बढ़त है, और एशिया भी आज ज्यादातर बढ़त के साथ ही बंद हुआ। जापान आधा परसेंट नीचे था, बट हांगकांग चाइना दोनों में ही लगभग आधे परसेंट की तेजी रही। तो सुस्त बट थोड़े पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं सर, बताएं क्या करना चाहिए। दीप, एक अच्छी बात है कि बाजार आमतौर पर जो डेढ़ दिनों का करेक्शन देता है, मैक्सिमम दो दिनों का, डेढ़ दिनों का करेक्शन हुआ कल सुबह, आपने देखा कल और परसों के बीच में वो करेक्शन पूरा करके आज रिकवरी के मूड में आता हुआ दिखा। तो पहली चीज़ तो ये कि करेक्शन एकदम परफेक्ट टाइम के वाइज उतना ही दिया है। दूसरी चीज जो परफेक्ट है वो ये कि जो लेवल्स जहां तक करेक्शन होना चाहिए एग्जैक्टली लगभग वहीं पर हुआ है, 28,500 के आसपास बैंक निफ्टी और 12,700 के आसपास से निफ्टी करेक्शन करके पूरा आता हुआ दिखा है। तो एक चीज तो बढ़िया बात ये कि टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन बाजार ने उतना ही दिया जितना एक मजबूत बाजार को देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और जब तक सुबह भी हम यही बात कर रहे थे, जब तक 12,575 की रेंज ना तोड़े तब तक बिल्कुल भी डरिए और घबराइए मत, कहीं कोई चिंता करने की बात है नहीं और वो दिख भी रहा है। तो पहली चीज तो ये कि आपके लिए नीचे के लेवल्स एक बार टेस्ट करके बाजार फिर से मजबूती दिखा रहा है। दूसरी अच्छी बात है कि पूरी की पूरी तेजी जो बनी है वो स्क्रीन पर बनी है, गैप से नहीं। नीचे ऊपर खुलने के बाद नीचे आकर फिर से खरीदारी होना ये बताता है कि बाजार का कॉन्फिडेंस है, यहां पर वो खरीदारी होती दिख रही है। तीसरी बात जो अच्छी है वो ये है कि आप देखिए डाउ फ्यूचर्स ठीक है 250 पॉइंट नीचे थे, अब 125 पॉइंट नीचे रह गए, तो थोड़ी रिकवरी है, उससे जोश आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक चीज समझिए कि डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में है, उसके बावजूद हमारे बाजार बढ़ रहे हैं, ये तीसरी अच्छी चीज है। और चौथी अच्छी चीज बता दूं आज के सेशन की, वो ये कि वीकेंड सेशन है और अब जिस तरह से कोरोना के मामले फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं, कल आपको पता होगा, कल वो तो अच्छा है कि आज कहीं चर्चा में ही नहीं है। और अगर यही चीज मार्केट आवर्स के दौरान हुई होती थी कि कल पहले PTI की एक खबर आई कि सेना पर झड़प हुई है, उसके बाद खबर ये आई कि आर्मी की तरफ से आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी तरह से पाकिस्तान के साथ हमने LOC पे फायरिंग नहीं की, सीमा पार करके वहां नहीं गए, अगर यही खबरें अगर मार्केट के आवर्स के दौरान आई होती तो सोचिए किस तरह से सेंसेक्स निफ्टी और बाकी बाजार ऊपर नीचे हुआ होता। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बजिए। तो पॉइंट ये कि वीकेंड सेशन पे आपके सामने कोरोना इस तरह की खबरों को आप नजरअंदाज करके मजबूती के साथ बंद होने की कोशिश कर रहे हैं, ये चारों पॉइंट आपको बाजार की ताकत दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जब स्ट्रेंथ है तो अब आपके लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दूं। पहला 12,800, अब 12,800 के नीचे जाना बहुत मुश्किल है, और 12,800 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करेगा और क्यों करेगा वो बता दूं। 12,800 के पुट पर 34,00,000 शेयर हैं, जिसमें से 14,00,000 शेयर आज ही जुड़े, ये मजबूती का इशारा है पहली चीज। और 12,800 के कॉल्स पर 30,00,000 शेयर है, अब की बार 12,800 आया तो ये कॉल राइटर्स अब इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत प्रभाव से अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लेंगे। तो डेटा 12,800 पर मजबूत बनते हुए दिख रहे हैं, और आपने देखा कल भी आज भी 12,800 थोड़ा सा देर के लिए, कल सेकंड हाफ में और आज फर्स्ट हाफ में थोड़ी देर रहा, उसके ऊपर वापस से 12,800 आ गया। तो अब 12,800 आपके लिए एक तरह से बेस हो गया, ये एक अच्छी बात है। 12,900 जैसे ही आप पार करेंगे फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो 12,935-12,960 की रेंज में निफ्टी को ले जा सकती है, वहां पर आप रुकेंगे। बस दिक्कत एक ही है कि ऊपर में 12,925 से 12,975 वो रेंज है जो थोड़ी कंजेशन जोन है, और 13,000 का एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल आपके सामने, तो आप वहां पर थोड़ा सा रुकेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और जाहिर सी बात है पिछले दो दिनों में जिस तरह का उतार चढ़ाव हुआ है, अगर किसी ने 12,925 में लिया है, किसी ने 12,950 में लिया है, तो जाहिर सी बात है वो वहां प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी करेंगे। तो हायर लेवल पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और आज की जो हमने प्रॉफिट बुकिंग रेंज दी थी वो 12,875 से 12,935 की है, और एग्जैक्टली आप देखिए 12,875 के वहीं से बार बार निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो उस रेंज में आप प्रॉफिट बुक करके वीकेंड आराम से बिताइए, सोमवार को वापस से आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लिए रेंज है, तो 12,875-12,925 इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना है। 12,800 के आसपास आता है, 12,750-12,800 की रेंज में वहां खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी ने भी एक बेस बनाया, बैंक निफ्टी में आपको
29,750 इस रेंज में आए तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तेजी की पोजीशन में और शॉर्ट भी करना है। 29,300 के आसपास ही रुकावट का लेवल है, बार बार वही रुक रहा है और नीचे में अगर वापस से 28,800-28,900 की रेंज में आता है तो वहां खरीदना है। इस वक्त इन लेवल्स पर नो ट्रेड है, आराम से कुछ भी मत करिए, शांति से। ओके, तो फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है जी, फिलहाल कुछ ज़्यादा एक्शन बाजार पर लेने की जरूरत नहीं है। पर सर, कई सारे स्टॉक्स में अभी भी एक्शन आएगा और भसीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर बीटीएसटी कॉल के लिए। स्वागत है भसीन साहब एक बार फिर से आपका, बताएं सर आपके अपडेट्स बाजार का डायरेक्शन। अपडेट यह सर कि सुबह आपको गेल दिया था, देखिए 93 वाला 98 हो गया और बायबैक आ गया और ये बताया है कि गवर्नमेंट इज वेरी कीन ऑन री जो इसकी जैसे ना री एस्टैब्लिशिंग द वैल्यू ऑफ इट्स पीएसयूज और ये बहुत ही पॉजिटिव है। आपने बीपीसीएल एचपीसीएल में सुना, अब गेल में आ गया तो इस कारण से मुझे बहुत पॉजिटिव हूँ कि पीएसयूज आर गोइंग टू बी द फ्लेवर ऑफ द डे मंथ एंड द ईयर। उसके अलावा अनिल जी मैंने आपको दिया था इन्फोसिस और ग्रैसिम दोनों चल रहे हैं, अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, दो बाय से एक बाय है और दो बाय से एक सेल है। ओके, तो बिल्कुल गेल सर अभी भी हमने खबर भी चलाई, एक्सक्लूसिव खबर चलाई कि यहाँ पर 120 से 130 रुपए की रेंज में गेल में बायबैक आने की तैयारी है, 25% प्रीमियम पर होगा और अच्छा खासा 10-15% इक्विटी का बायबैक हो सकता है। उस खबर के बाद डे हाई पर 98 तक भी पहुंचा है गेल और आपने सुबह ही आज कहा था 93 में खरीदारी कीजिए 105-108 के टारगेट के लिए, तो आई एम श्योर आपके 105-108 के टारगेट इस बायबैक के पहले डेफिनेटली स्क्रीन पर नजर आएंगे। बताएं सर अब फ्रेश कॉल्स कौन सी करनी है सर? सर फ्रेश कॉल ये है कि मैं बहुत कॉशियस हूँ मार्केट पे और वीकेंड पे जिस तरह से बात चल रही है रेल कॉरिडोर और एविएशन पे बिकॉज द कोरोना केसेस आर प्रॉब्लमेटिक, आई वुड से बी केयरफुल ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो मेरे लिए यहाँ पे सबसे सेफ स्टॉक है जो सबसे बढ़िया सिप्ला, 737-38 है लीजिए, 729 का स्टॉप लॉस, 775 का टारगेट, सिप्ला इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन दिस मार्केट। उसके अलावा जिस तरह से बायबैक आ, मैं एक नो ब्रेनर बता रहा हूँ जहाँ पे बुक वैल्यू मार्केट कैप 2,500 करोड़ की है जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कैश ऑन हैंड 3,500 है और मुझे लगता है बायबैक विल बी डबल द प्राइस, एनबीसीसी 24.25 है, 23 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 40 रुपए का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए एनबीसीसी और साथ ही सिप्ला पर खरीदारी की राय। बड़ी कॉल आती हुई भसीन साहब की तरफ से, शुक्रिया भसीन साहब ये डिटेल्स हमें देने के लिए। भारतीय रेलवेज की तरफ से एक बयान आ रहा है कि फिलहाल मुंबई दिल्ली ट्रेन सेवा बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है और जैसा कि समीर हमें बता भी रहे थे ये इवेंचुअली गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आएगा, सरकार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तो ऑफकोर्स एडवाइजरी गई है और इस पर विचार चल रहा है, पर भारतीय रेलवे का बयान आया है, क्लैरिफिकेशन आई है कि फिलहाल इस सर्विस को बंद करने का कोई फैसला लिया नहीं गया है। मुंबई दिल्ली जो ट्रेन सेवा है उस पर यह बयान आते हुए दिखा है, तो देखते हैं आगे इस पर क्या डेवलपमेंट होता है, बट डेफिनेटली कुछ हिंट्स आ रहे हैं, इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद ऐसे मेजर पर सोच विचार कर सकती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी गई है, फाइनल डिसीजन ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। नजर रखते हैं स्टॉक पर, इस पूरी खबर पर और IRCTC पर भी नजर रखिए क्योंकि काफी ज्यादा एक्शन हमें इस स्टॉक पर होते हुए दिख रहा है जिस तरह से खबरों का मूव है इस समय। पर आइए क्योंकि रेलवे की ही बात हुई है तो एक बढ़िया रेलवे से रिलेटेड एक्शन बताते हैं। अभी तो लॉकडाउन के थोड़ा डर है तो वो एक अलग बात है, पर रेलवेज की तरफ से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर एक बड़ा फोकस है और विद एन आई ऑन द फ्यूचर वो चाह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज यहां पर भाग लें। इसमें कुछ कंपनीज ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई हैं, क्या है ये पूरा प्रोसेस, कौन सी हैं कंपनियां एक्शन में और क्या आगे जाकर इस खबर का रिएक्शन आ सकता है, जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, प्राइवेट ट्रेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की तरफ से जो फोकस है रेलवेज का, इसका क्या मतलब समझना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, इसका प्राइवेट कंपनीज के लिए तो काफी बड़ा मतलब है क्योंकि रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है और कहीं ना कहीं कंपनीज को यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। सरकार ने दरअसल यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए पहली बिड्स मंगाई थी,
करीब करीब 16 कंपनीज ने 120 एप्लीकेशंस दिए थे, क्योंकि करीब 12 क्लस्टर्स है जिसमें 151 ट्रेन्स जो है उनको रन किया जाना है प्राइवेट लेवल्स पे, तो इसके लिए एप्लीकेशंस दिए गए थे। और सेकेंड राउंड के लिए 16 कंपनीज की 102 एप्लीकेशंस जो है उनको अप्रूवल मिल गया है। जिन कंपनीज को अप्रूवल मिला है उसमें देखिए GMR हाईवेज है, वेस्टर्न एंटरप्राइजेस, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भेल, IRB इंफ्रा, IRCTC, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, ये तमाम वो कंपनीज है जिनकी एप्लीकेशंस को अप्रूवल मिला है। अब इसके कंपनीज के लिए क्या मायने हैं ये समझिए। अब तक रेलवेज के पास करीब 13,000 के आसपास ट्रेन्स है, लेकिन जो निजी ट्रेन्स है उनकी ज़रूरत है करीब 20,000 के आसपास, यानी कि 7,000 अतिरिक्त ट्रेन्स की जो है वो ज़रूरत अभी रेलवे को है ओवरऑल ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल इन निजी कंपनीज़ के लिए कि ट्रेन चलाएं। ये ट्रेन चलाने के लिए जो निजी कंपनीज़ है उनको स्टार्टिंग में करीब 30,000 करोड़ के आसपास का निवेश करना पड़ेगा, और रेलवेज के साथ बेसिकली इनको एक जो क्योंकि पार्टनरशिप करनी पड़ेगी तो काफ़ी कुछ इनको खर्चे वहाँ देने पड़ेंगे, और कुछ हद तक जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो भी इन कंपनीज़ को करनी पड़ेगी। तो ये एक मॉडल है जो रेलवे ने डेवलप किया है प्राइवेट ट्रेन्स के लिए, और इसमें ये जो कंपनीज है जिनका नाम मैंने आपको बताया उनको सेकंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अब देखते हैं कि सेकंड राउंड के बाद किस तरह के हालात होते हैं और किसको एक्चुअली ये जो 12 क्लस्टर जिसमें 150 ट्रेन चलानी है वो मिलती है। ओके, तो ये है कुछ बड़ी खबरें रेलवेज में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाने का जो फोकस है उस पर जिन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि पूरा कैपिटल गुड्स इंफ्रास्पेस आज थोड़ा थमा हुआ है इसलिए आप रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, बट पिछले कुछ दिनों में इन स्टॉक्स में एक बढ़िया तेजी आती हुई दिखिए। इस पूरे स्पेस पर नज़र रखिए, एक्शन यहाँ पर भरपूर आपको मिला है। आशु जी, एक सवाल आपसे BHEL पर पूछूंगा सर। वैसे तो आज वायदा कारोबार के बैन में है और एक छोटी रेंज में इस पर कारोबार हुआ है, बट जिस तरह से निचले स्तरों से एक बार फिर से रिकवरी आई, और हमने लास्ट टाइम भी देखा था यहाँ से जब रिकवरी आई थी तो काफ़ी बड़ा उछाल आया था, क्या BHEL में फिर से एक्साइटमेंट बनते हुए दिखता है सर? दीपांशु दिख सकती है। देखो इसमें जो एक्साइटमेंट बनी थी बेसिकली वो जो लैंड पार्सल है उसकी वजह से बनी थी, और मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम में अगर वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है या अगर वो मतलब एक्चुअली सीरियसली प्ले होती है तो वैल्यूएशन जो एक आंकी गई है या जिसका अंदाज़ा लगा रहे हैं उससे बढ़ के आएगी। तो आई थिंक अगर वो प्ले अवेलेबल है तो उस प्ले के चलते एक पॉजिटिव फैक्टर है उसके अंदर, तो वो मूव और आगे बढ़ सकती है दीपांशु, डेफिनेटली बेसिस द वैल्यूएशन। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मूव आती हुई दिख सकती है। नज़र रखिए, कल एक बड़ा ब्रेकआउट था, आज वायदा कारोबार के बैन में ऑफकोर्स है तो थोड़ा स्टॉक थमा हुआ आपको दिख रहा है इस समय। भारती इंफ्राटेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 15% का उछाल है, 15.5% का उछाल है इस समय, और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 8-9% की तेज़ी आई है। तो जो इंडस टावर भारती इंफ्राटेल की मर्जर की खबर है उससे नई जान आ गई है इन दोनों स्टॉक्स में, और आप एक ज़बरदस्त उछाल फिलहाल देख रहे हैं इस समय। नज़र रखिए इन दोनों स्टॉक्स पर, अच्छा एक्शन आ रहा है। जी अनिल जी, दीप मेरा सवाल है आशु सर से। आशु सर बार बार भारती एयरटेल बोलते हैं, भारती इंफ्राटेल कब बोलेंगे सर? ये भाग गया भारती एयरटेल को देखते देखते। नहीं अनिल जी, ऑनेस्टली मैं उसको ट्रैक नहीं करता हूं, और मेरा जो फोकस है वो भारती एयरटेल पे भी रहता है। और अनिल जी आज भी आप देखिए, कल 468, आज 482, और जिस तरह से क्लोजिंग दे रहा है अनिल जी, आगे पीछे करके इसको 500 क्रॉस करना ही है, तो ये तो मतलब डिप्स पे बाय है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मूव है। बट मैं भारती इंफ्राटेल में अनिल जी कभी भी ट्रैक नहीं करता हूं। मैं कई बार राकेश जी को सुनता हूं, वो बहुत ज्यादा ट्रैक करते हैं और उनके व्यूज भी सुनता हूं, बट इंसिडेंटली समहाउ आई डोंट ट्रैक भारती एयरटेल, तो अपना फोकस भारती एयरटेल में ही रहता है। नहीं, अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने का वक्त आ गया है आपके लिए भारतीय इंफ्राटेल पर भी, लेकिन चूंकि आपने तोप का मुंह राकेश जी की तरफ कर दिया है, राकेश जी भारतीय इंफ्राटेल पर आए दीजिए। देखिए अनिल जी, भारतीय इंफ्राटेल तो अनिल जी सुबह इसके अंदर एक सिग्नल आया था और उसके बाद इसके अंदर एक अच्छा अपमूव देखने को मिला, और अनिल जी यहाँ पर एक दिक्कत है, इस स्टॉक की एक बड़ी दिक्कत है, ये कभी भी किसी भी ब्रेकआउट पर ऊपर की तरफ अच्छे पैटर्न के बाद भी पैटर्न फेलियर हो जाता है। बट एज ऑफ नाउ टेक्निकल पैटर्न अच्छा है, किसी ने लिया हुआ है तो होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे पहला टारगेट जो है 240 रुपए का बैठता है, 240 का पहला टारगेट है, तो जिसके पास है वो भारती इंफ्राटेल को होल्ड करे। और इसके साथ साथ अनिल जी आशु जी के लिए गुड न्यूज है, भारती एयरटेल के अंदर आज एक बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न बन रहा है, काफी बढ़िया पैटर्न है। कुणाल जी तो मैरिड है इस पैटर्न से, और मुझे भी ये पैटर्न काफी अच्छा लगता है,
तो इस पैटर्न की शक्ति यह है कि ये भारतीय एयरटेल अब शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म बोले तो नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक के शुरू के एक दो दिन के अंदर 508 510 के लेवल्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो भारतीय एयरटेल में एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल, तो भारतीय एयरटेल पर एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, आशु जी की तो कन्विक्शन रहा है, 400 के लेवल से बोल रहे हैं आपको बॉटम आउट हो गया, खरीदारी करिए। भारतीय इंफ्राटेल में शानदार तेजी है और साथ ही आप मूवमेंट देख रहे हैं वोडाफोन में। इसमें एक और टेलीकॉम कंपनी डाल दें, हालांकि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा और बिजनेसेस उसमें इंक्लूड हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो आज के बाजार में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि निफ्टी पर 100 अंकों की रैली है। और सुमित जी, आज सुबह आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बात भी कर रहे थे, आपका शॉर्ट कॉल भी था, पहला टारगेट आ गया, दूसरा टारगेट भी आएगा सर, क्या रिविजन करनी चाहिए यहाँ पर? पंशु सही कहा आपने, अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर सुबह हमने सेल कॉल दिया था और 1900 का टारगेट दिया था, और सुबह जब सेल कॉल दिया था तब बागले साहब का भी सेम टाइम पे था, 1940 के आसपास हमने इसको सेल पकड़ा था, जिसपे 1900 से लेके 1880-1860 तक के टारगेट्स चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहे थे। तो 1900 का तो लो लग चुका है और 1900 के नीचे अभी जस्ट आ रहा है, ये 1896 का लो लग है, अभी इसके नीचे सस्टेन करता है तो कल नेक्स्ट वीक को हमें 1850-1870 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार के लिए रिलायंस वीक है, जब तक रिवर्सल के संकेत नहीं आते तब तक इसको वेट एंड वॉच करें, सेल साइड का पोजीशंस ट्रेलिंग सपोर्ट लगा के होल्ड करें। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, बट पहला टारगेट जो सुमित जी का था 1900 का वो अचीव हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में फिलहाल डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, रिलायंस तो डेज लो पर है, पर कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर जबरदस्त तेजी आई है और आज उसमें है वॉकहार्ट, बल्कि पिछले चार दिनों से शानदार एक्शन आ रहा है वॉकहार्ट में। क्या है खबरें जो इस स्टॉक में जान डाल रही हैं, जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं वॉकहार्ट के लिए क्या है अच्छी खबरें? बिल्कुल, आप देखिए कई दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि वॉकआउट में जिस तरह से तेजी होती हुई दिख रही है, पिछले एक हफ्ते से लगातार स्टॉक में गेन्स होते हुए दिख रहे हैं और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी है। दरअसल आप देखिए कल जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वैक्सीन की तैयारियां होती हुई दिख रही है वो काफी शानदार होती हुई दिख रही है, और इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO हैं इनकी तरफ से बयान आता हुआ दिखा था कल। इनका ये कहना था कि कोविड वैक्सीन जो हैं वो हेल्थ केयर के जो वर्कर्स हैं और साथ ही जो बुजुर्ग हैं यानी कि एल्डरली पीपल हैं, ओल्ड एज हैं, इनके लिए जो वैक्सीन है वो जल्द ही आते हुए दिखेंगे, फरवरी 2021 तक ये वैक्सीन उपलब्ध होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो आम जनता है उनके लिए भी जो वैक्सीन है वो अप्रैल 2021 तक उपलब्ध होने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये काफी पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखा था। दरअसल आप देखिए वॉकहार्ट ने UK सरकार के साथ अगस्त में एक करार किया था, अब वॉकहार्ट अब पूरी तरह से वैक्सीन पर फोकस करता हुआ दिख रहा है। इनके जो यूके में इनके जो यहाँ पे साइट्स हैं वहाँ पे कंपनी वैक्सीन को फिल करती है यानी कि उसमें भरती है और साथ ही इसका पैकेजिंग करती है, मार्केटिंग करती है, ये जो काम है ये वॉकहार्ट करती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 1 बिलियन की है। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि वॉकहार्ट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर जरूर बनता हुआ दिख रहा है, जैसे ही ये वैक्सीन आ जाएंगे मार्केट में इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो वॉकहार्ट को मिलता हुआ दिखेगा। भारत में भी यही अनुमान है कि कई अलग अलग कंपनीज के साथ कंपनी करार करती हुई दिखेगी, बहुत ही कम कंपनीज हैं जो कि फिलहाल फिल एंड फिनिशिंग करती है यानी कि जो वैक्सीन होता है उसमें भरती है दवा को और इसका पैकेजिंग करती है, इसके लिए ये काफी कामकाज होती हुई दिखेगी वॉकहार्ट। इसी के चलते काफी ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है पिछले एक हफ्ते से। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल रिजल्ट्स भी देखें तो अच्छे होते हुए दिखे थे, कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड करते हुए दिखे थे आने वाली तिमाही के लिए। और इसके अलावा अब आप देखिए कंपनी ने जो अपने ब्रांडेड जेनरिक कारोबार है वो उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज को बेचा था, इससे भी कंपनी को 1850 करोड़ रुपये मिलते हुए दिखेंगे, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर लगातार कई दिनों से होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सेकेंडरी है, जो प्राइमरी है वो वैक्सीन के चलते हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से वॉकहार्ट में हम तेज़ी देख रहे हैं, करीब 35% तक के गेंस आते हुए दिखे थे। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त तेज़ी आई है और एक शानदार उछाल आज के ट्रेड में आया है, बल्कि आपको याद होगा आज सुबह सचिन जी यहाँ पर रिकमेंडेशन देकर गए थे 340 के लेवल्स पर, उन्होंने कहा था खरीदारी करिए 420 के टारगेट्स के लिए, और 340 से 393 का जो सर्किट आज लगा है वो एक शानदार मूव ऑलरेडी वॉकहार्ट में आ गई है। हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं, हिमांशु जी वॉकहार्ट का चार्ट देखिए, चार दिनों से तेज़ी है, आज तो सर्किट लग गया है पर ये जो मोमेंटम बढ़ा हुआ है क्या यहाँ से और ऊपर के लेवल्स देखते हैं वॉकहार्ट में? बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर इसने ऑफ लेट एक ब्रेकआउट दिखाया है और मेरा ऐसा मानना है कि जो चार्ट सेटअप है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि नियर टर्म में स्टॉक 450 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में तेजी जारी रहेगी। अगर किसी वजह से आने वाले दिनों में कोई डिप मिलता है 350 340 की जोन में, तो वहां पर खरीदारी करके चलें। और शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 450 रुपए तक के टारगेट वोकार्ट फार्मा में आते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर वोकार्ट फार्मा और ऊपर जा सकता है। आज का ट्रेड तो खत्म हो गया, बट पोटेंशियल अभी भी है जिस तरह से खबरें आ रही हैं। और ऑफकोर्स हम स्टॉक पर भी एक जबरदस्त मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं इस समय। डाउ फ्यूचर्स पर एक बार नजर डालिए। थोड़ी देर पहले जब हम अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी ले रहे थे तो लगभग 130-135 अंकों की गिरावट थी, अब सिर्फ 60 अंकों की गिरावट है। तो पिछले कुछ मिनटों में 70 अंकों की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिखी है। तो जिस तरह से भारतीय बाजार तो ऑफकोर्स दिन के हाइज के करीब ट्रेड कर रहे हैं, बट अब डाउ फ्यूचर्स भी रिकवरी के संकेत आपको आते हुए दिखा रहे थे। जो सुस्ती थी ग्लोबल मार्केट्स में, कहीं ना कहीं वहां पर भी अब आपको सुधार आते हुए दिख रहा है। नैसडेक फ्यूचर्स तो पॉजिटिव टेरिटरी में ऑलरेडी आ चुके हैं। टाइटन डेज हाई 6% की तेजी के साथ, वहां पर जबरदस्त एक्शन इस समय बना हुआ है। तो नजर रखिए, उस स्टॉक पर अच्छी तेजी बन रही है। HDFC लाइफ और ICICI प्रू, ये दो इंश्योरेंस स्टॉक्स, यहां पर भी अच्छी खरीदारी के संकेत इस समय आ रहे हैं। एक व्यू ICICI प्रू पर किरण जी से लेता हूं। किरण जी, 450 के ऊपर गया है ICICI प्रू, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू, तीनों में अच्छा मूवमेंट है। कहां जा रहा है ICICI प्रू का चार्ट सर? नहीं, बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न है दीप, और 440 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, उसको ही टेस्ट करके वापस यू टर्न ले लिया है इस स्टॉक ने। तो मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 470-480 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा। तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए अभी के लिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 445 का रहेगा। ओके, तो 445 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और बढ़िया मूवमेंट के लिए तैयार है ICICI प्रू। इस चार्ट पर नजर रखिए, HDFC लाइफ, यहां पर भी आपको अच्छा उछाल आते हुए दिख रहा है इस समय। इंटरेस्टिंगली आज IT की तरफ से भी थोड़ा पार्टिसिपेशन रहा है बाजार में, हालांकि लीड नहीं किया है IT ने, बट हाई बीटा के साथ साथ आप देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स में भी एक्शन है। और माइंडट्री एक मिड कैप IT स्टॉक्स जहां पर हम सुबह से मूवमेंट देख रहे हैं। शुभम जी यहां पर आपको सुबह खरीदारी की राय भी देके गए थे। सुमित जी, माइंडट्री के साथ क्या करना चाहिए जिस तरह से एक्शन बन रहा है? जो देखिए, IT स्टॉक्स में एक एक करके बाइंग आ रही है और ये माइंडट्री काउंटर में पहले आई है। माइंडट्री यहाँ से स्ट्रॉन्ग ही लगता है, ऐसा लगता है माइंडट्री के अंदर पोजीशंस होल्ड करके जाए, नेक्स्ट वीक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव माइंडट्री में देखने को मिल सकता है। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 1360 का जो अभी लेवल चल रहा है, यहाँ से ऊपर में 1400 से लेकर 1420 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस में बने रहे, होल्ड करें, मंडे को फिर और अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर इसमें और इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस को कैरी करके चले नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, तो बने रहें, खरीद के चलें नेक्स्ट वीक के लिए। माइंडट्री, कोफोर्ज, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, इन सभी स्टॉक्स पर आप थोड़ा थोड़ा एक्शन देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा भारी भरकम खरीदारी तो नहीं आई है फिलहाल, बट डेफिनेटली मूवमेंट पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट आया है सेल में, ये भी आज वायदा कारोबार के बैन में है। पर देखिए, कुछ दिनों से जो कंसोलिडेशन चल रहा था सेल में, अब वो वापस मूव करके पॉजिटिव एक्शन की तरफ बनते हुए दिख रहा है। तो सेल पर आप नज़र रखिए, वैसे वायदा कारोबार के बैन में है। मैरिको, यहाँ पर भी खरीदारी आई है। कुणाल जी, जो थोड़ा FMCG का पार्टिसिपेशन बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, मैरिको ने अभी तक तो पार्ट नहीं लिया था, आज थोड़ा मूव आया है, भरोसा करना चाहिए इस मूव पे? देखिए, अभी भी एक रेजिस्टेंस सामने नज़र आती है दीपांशु। रेजिस्टेंस जो है वो 385 के आसपास है, अभी 375 का भाव है। तो मुझे लगता है कि एक 2% की तेज़ी ज़रूर बन सकती है, लेकिन 385 जब तक डिसाइसिवली स्टॉक पार ना कर ले तब तक नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल वेट करेंगे, 385 के ऊपर ही नई खरीद करेंगे। ओके, 385 के ऊपर ही नई खरीद करनी है, बट नजर रखिए डेज हाई के करीब वहां पर ट्रेड हो रहा है। आइए एक बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है और ये स्टॉक हमने पहले भी बहुत बार रिकमेंड किया और अब तो इसमें क्लास ब्रेकआउट है। ऑटो सेक्टर वाला स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 55.80 रुपए। स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो। आपको याद होगा ये स्टॉक हम 40 रुपए से बाय दे रहे हैं और तब से स्टॉक में वन वे रैली देखने को मिल रही है और आज का कैंडल तो स्टॉक के अंदर क्लास कैंडल है। इसके अंदर वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट है, हायर आए हायर लो का पैटर्न बना हुआ है, जो जुलाई 2019 के हाई ब्रेक हो रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर। वीकली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम बना है, कप एंड हैंडल बना है, मतलब इसमें मेरे को 4-5 वेरिएशन दिख रहे हैं जिसके मुझे बहुत बड़े टारगेट
जमुना ऑटो में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है ऐसा लगता है। इसका इमीडिएट चार्ट्स के ऊपर जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो है 61 रुपए का। 61 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 65 रुपए से लेकर 70 रुपए के, जो कि जल्दी ही देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिलेंगे। इसमें खरीदारी करें, 51 रुपए 51 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, 61 रुपए, उसके बाद 65 से 70 तक के टारगेट नेक्स्ट वीक में जमुना ऑटो में देखने को मिलने चाहिए। डेली पे चार्ट पे ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए जमुना ऑटो पर राय सुमित जी की तरफ से। खरीदारी करके चलिए, पहले भी सुमित जी यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दे चुके हैं और अब फिर से यहाँ पर आप पॉजिटिव मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं, तो अच्छी मूव है जमुना ऑटो में, शानदार एक्शन है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, और कैश मार्केट्स पर अगर आप देखें तो BSE जरा यहाँ पर नज़र रखिए, एक अच्छी मूव आती है आपको स्टॉक पर भी दिख रही है, थोड़ा बाजार में एक एंटिसिपेशन भी चल रहा है और BSE पर हमने एक मूव भी आती हुई देखी है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा अच्छा ट्रैक्शन भी ये स्टॉक आपको दिखा रहा है, और आपको याद होगा BSE पर आपके लिए रिकमेंडेशन भी आ चुकी है अनिल जी की तरफ से, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो एक मूव आ रहा है। अनिल जी, BSE अच्छी मूव आ रही है सर, आपने इस पर हमें रिकमेंडेशन भी दी थी, आपने खरीदारी की राय दी थी एज अ वैल्यू पिक मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 520 के लेवल्स पर, वहां से ऑलरेडी 550 पर तो आ गया है। क्या व्यू बन रहा है और बाजार किस तरह से इस स्टॉक पर एक वैल्यू देख रहा है इस समय? एक्चुअली दीप है ना, कई बार मैं कहता हूँ कि जब दिवाली जैसा बड़ा दिन हो, मुहूर्त ट्रेडिंग दिन हो, तो वहाँ पर शेयर क्या खरीदना है, एक्सचेंज ही खरीद डालो। और BSE वो स्टॉक है जहाँ हमने मालामाल वीकली के तौर पर भी आपको दिया था और मैंने वैल्यू पिक के तौर पर दिया था, मैंने चार कैटेगरी दी थी दिवाली के दिन में, और इंसिडेंटली आपने ऐसे वक्त सवाल पूछा है जब मैं आपके सवाल का जवाब अलग तरीके से देना चाहता हूँ, और वो जवाब है आपके लिए बिगुल के तौर पर, कल के 2000 का बिगुल। तो दीप, कल के 2000 में BSE ही खरीदारी करने की राय है आपके लिए। मैं इसी स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहा था, 543, 44, 45 के आसपास था, लेकिन अब 550 के आसपास है, यहाँ पर भी खरीदा जा सकता है। जबरदस्त वैल्यू है इस स्टॉक में, अगर आप इसके वैल्यू देखें, जिस तरह की CDSL की स्टॉक की वैल्यू है, जिस तरह का कैश है BSE की बैलेंस शीट पर, और जिस तरह से आप स्टार म्यूचुअल फंड, इनका एक और सेक्शन है जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, तो सारे और SME में BSE ऑलमोस्ट नंबर वन है। करेंसी मार्केट में BSE का वॉल्यूम जबरदस्त पिकअप होता हुआ दिख रहा है, डेट में अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक एक्सेप्ट एक FNO छोड़ देने, वायदा कारोबार, जहां पर BSE अभी थोड़ा पीछे है, थोड़ा नहीं काफी पीछे है। इसके अलावा लगभग सारे सेगमेंट्स मार्केट के ऐसे हैं जहां पर BSE में जबरदस्त ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और इस लॉकडाउन में जितने नए इन्वेस्टर्स आए, जितने अकाउंट CDSL में खुले, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। डेट फ्री तो है ही, कैश रिच तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि BSE एक बहुत ही बेहतरीन री रेटिंग कैंडिडेट है, BSE इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बेहतरीन री रेटिंग कैंडिडेट है, और वो री रेटिंग तब होगी जब आपके NSE का IPO आएगा। जिस वैल्यूशन पर, जिस PE मल्टीपल पर NSE का IPO आएगा, तब आपको BSE बहुत नहीं, बहुत बहुत ज्यादा सस्ता लगेगा कि अरे दो एक्सचेंज के वैल्यूशन में इतना गैप कैसे। आपने अभी भी देखा, अभी अभी जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर राधाकिशन दमानी जी ने BSE में यहाँ पर स्टेक खरीदी है, तो मुझे लगता है कि ये वो स्टॉक है जहां पर भरपूर एक्शन आगे भी होता हुआ दिखेगा और यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है यहां पर भी आप तेजी करके चलें BSE में, 560-565 ये आज के लिए टारगेट रखकर चलें, और 580 रुपए का टारगेट आप पोजिशन लेकर चलें इस स्टॉक के लिए, ये स्टॉक कमाल करके दिखा सकता है। तो 560-565 छोटे टारगेट है और 580 इवेंचुअल टारगेट है BSE के लिए, बहुत ही बेहतरीन वैल्यू पिक है। मैं इसे बार बार कहता हूँ, कई बार जब मैं कहता हूँ ना कि अगर आप जिस शेयर में, जिस बैंक में FD करवाना चाहते हैं, उसके बजाय उस बैंक का शेयर खरीदेंगे, तो FD के समय में आपको FD से दुगुना रिटर्न उसका शेयर दे देगा जितना आपके FD में इंटरेस्ट आता है। ठीक उसी तरह से मैं कहता हूँ, आप जब शेयर खरीदने का मन सोचते हैं तो बड़ा सोचें, एक्सचेंज ही खरीदा लें। इनफैक्ट और एक और एक्सचेंज है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वो भी कई बार जैन साहब ने, सेठी साहब ने रिकमेंड किया। तो एक्सचेंजेस में बहुत डीप वैल्यू है और BSE उस हिसाब से मुझे बहुत पसंद है। मालामाल वीकली में भी हमने रिकमेंड किया, दिवाली पर भी रिकमेंड किया, और इस बार देखिए टचवुड, ऊपर वाले की मेहरबानी, दिवाली के दिन के लगभग सारी पिक्स कमाल करती दिख रही है। टाटा मोटर्स, वेदांता के दोनों के टारगेट हासिल हुए, अब BSE भी कमाल करता दिख रहा है। BSE के चार्ट्स, सुमित जी बताएं एक बार चार्ट्स पर लेवल और टारगेट्स शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल
अनिल जी, बहुत बढ़िया स्टॉक का पैटर्न बन रहा है, स्टॉक के अंदर हायर लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं, बीएससी के अंदर खरीदारी बिल्कुल बनती है, स्टॉक के अंदर आज वैसे भी वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है जब स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक ने रिसेंट के हाईज ब्रेक किए हैं, इमीडिएट टारगेट बनेंगे शॉर्ट टर्म के 575-580 के, और वो लेवल ब्रेक होने के बाद 600 प्लस के लेवल बीएससी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल इसके अंदर खरीदारी करके पोजीशन होल्ड करना चाहिए। जिस तरह का वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट वीक में ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीक में टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 560 का जो पहला टारगेट है अनिल जी का, वो उसके तो बेहद करीब स्टॉक आ गया है, बस 2 रुपये दूर है। और अगर आपको याद होगा, सिर्फ एक हफ्ते पहले मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अनिल जी ने आपको 520 के लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, तो वहाँ से भी देखेंगे तो 7-8% की तो मूव ऑलरेडी आपको आ गई है, पर और भी रास्ता कवर करना है बीएससी ने। आइए क्लोजिंग से पहले जल्दी कुछ और कॉल्स लेते हैं। स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। दीपांशु, यू नो ओवरऑल जो इस हमने सुबह यू नो एक पोर्टल लेने का एक सलाह दिया था, वहाँ पे तो फर्स्ट टारगेट हासिल हो चुके हैं, एंड वो हासिल होने के बाद अगर हम देखें तो इंडेक्स में रिकवरी अच्छी आई है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 के ऊपर सिंस यू नो निफ्टी आ गया है, तो 800 का लेवल जब तक 12,800 का लेवल होल्ड कर रहा है, वी कैन सी निफ्टी यू नो अगेन गोइंग टूवर्ड्स 12,950 के लेवल्स तक वो अटैम्प कर सकता है, बट 800 अगर टूटता है तो यू नो वापस दीपांशु एक मूव नीचे की तरफ देखने मिलेगा। सो फार सो फोर नो आउट से कि अभी तो ऊपर है, सो उसका 12,850 का कॉल ऑप्शन हम लेकर चल सकते हैं, जो एट द मनी स्ट्राइक का है, 111 रुपये पे है दीपांशु। इसका हम स्टॉप लॉस नीचे में प्लेस करेंगे 74 पे, 111 पे लेना है, 74 पे स्टॉप लॉस रहेगा 12,850 के कॉल का। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बन रहा है दैट कम्स टू 146, सेकंड टारगेट बन रहा है 161, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 12,850 का 26 नवंबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन। आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन 12,800 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ये जो रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है वो सस्टेन कर सकता है, इसीलिए मेरे पास एक यू नो स्टॉक में भी बाय रिकमेंडेशन दीपांशु, इफ़ यू आर ओके तो मैं वहाँ पर भी एक कॉल दे दूँ। जय, 2 मिनट में आपके स्टॉक रिकमेंडेशन पर आता हूं। क्लोजिंग से पहले एक बार जल्दी से अनिल जी की फाइनल स्ट्रेटजी ले लेते हैं बिगुल के बाद। अनिल जी, थोड़ी रिकवरी आई है ग्लोबल बाजारों में, जैसे मैं बोल रहा था डाउ फ्यूचर्स अब फिलहाल 50-60 अंक नीचे आपको दिख रहे हैं सर, यूरोप के बाजार अब 0.5% ऊपर हैं, तो वहां पर एक्शन है, नैसडेक फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, और भारतीय बाजार तो ऑफकोर्स दिन के हाई के करीब हैं, बताएं क्या करके जाना चाहिए सर। देखिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि खरीदारी की पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, जैसा जय भी अभी बोल रहे हैं, मैं जय के साथ हूँ, 12,850 का कॉल ऑप्शन लीजिए और 13,000 का एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, ये ज़्यादा सही स्ट्रेटेजी होगी ताकि आपकी सेफ्टी भी रहेगी। 12,850 का लीजिए, 13,000 का बेच दीजिए, बिल्कुल बेच कर जाइए, कोई चिंता न करें। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक कॉल ऑप्शन खरीद कर 2 भी बेच सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको 150 पॉइंट ऊपर खुलते हुए नजर आएगा सोमवार को निफ्टी, तो 12,850 का एक कॉल लेकर 13,000 के 2 कॉल भी बेच सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 29,200 का एक कॉल ऑप्शन लेकर 29,500 का एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, और जिनको 2 कॉल ऑप्शन बेचने हैं वो 29,500 और 29,800 का बेच सकते हैं, और जिनको एकदम कम रिस्क चाहिए वो एक कॉल ऑप्शन 29,500 का बेच दें, जो थोड़ी सी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो 29,800 का बेचें, और जो और भी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो 29,500 और 29,800 के 2 कॉल ऑप्शन बेचें और सामने 29,200 का एक कॉल ऑप्शन ले लें, तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजी होगी, खरीद कर जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लोजिंग बढ़िया आती दिख रही, 2 दिनों का करेक्शन पूरा करके भले आपको इस वक्त डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से 101 पॉइंट के आसपास की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में दिख रही, लेकिन चिंता की बात नहीं है, जिस तरह की रिकवरी स्क्रीन पर हुई, 4 पॉइंट मैंने आपको 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में गिनाए थे लेट 3 बजे के आसपास, तो आपको होल्ड करना चाहिए, तेजी की पोजीशन को कैरी करना चाहिए, बाजार में स्ट्रेंथ साफ नजर आ रही है। आइए जय का जैकपॉट बिगुल के साथ। बताएं जय। अनिल जी, ICICI प्रू मुझे काफ़ी सही लग रहा है लेवल्स पर, जो हिसाब से कल 2 दिन पहले ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया था उसका कल रीटेस्ट हुआ, और आज फिर से ये स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है रीटेस्ट होने के बाद।
तो इसका एट द मनी मैं कहूँगा इनफैक्ट इन द मनी हो गया है अभी तो 450 का कॉल ऑप्शन 10 रुपये के आसपास मिल रहा है, 10 रुपये 50 पैसे के आसपास मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना चाहिए। इसका पहला टारगेट बन रहा है 16 रुपये 60 पैसे का, दूसरा टारगेट बन रहा है 19 रुपये का, 16.60 and 19, ये दो टारगेट्स के लिए ICICI प्रू का 450 का स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा है अनिल जी वो है 7.20 का। रीज़न ये है कि ये स्टॉक में एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, ना ही कि एक नो ओनली ऑन द कैंडल चार्ट बट ऑल्सो क्वाइट विजिबल ऑन द लाइन चार्ट। तो ये जो डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में, और आज रीटेस्ट होने के बाद फिर से इसमें एक अपमूव देखने मिल रहा है। और ये पैटर्न लगभग अनिल जी अगर मैं देख रहा हूँ तो 400 रुपये से लेकर लगभग 440 का, मतलब 10% का ये डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। अगर यहाँ से पोजिशनल टारगेट्स हम देखें नीचे तो लगभग ये स्टॉक 490 तक भी जा सकता है, बट हावेवर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 450 का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। ओके 450 का कॉल ऑप्शन लेकर चलिए। अभी थोड़ी देर पहले किरण जी से भी हम इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि 440 का अच्छा सपोर्ट है, तो शानदार मूव वहाँ पर आपको आती हुई दिखेगी। इंश्योरेंस स्टॉक्स फ्लेवर में है। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, और जैसा कि अनिल जी ने आज सुबह भी हमें कहा था, बाजार अपने अहम सपोर्ट लेवल्स पर है, यहाँ से एक रिकवरी आनी चाहिए। एक डेढ़ दिन की जो गिरावट है वो पूरी रिकवर करके सेकेंड हाफ में शानदार रिकवरी बाजारों ने आपको दिखाई है। निफ्टी 12,850 के करीब, निफ्टी बैंक 29,150 के करीब, बजाज फिनसर्व आज यहाँ पर आपने अच्छी लीडरशिप आती हुई देखी। निफ्टी नेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो और भी कई सारे नेम्स हैं जो मैं हाईलाइट करूँगा, बट 9.5% ऊपर बजाज फिनसर्व, और बजाज फाइनेंस 4% ऊपर अपने न्यू हाई से 200 रुपये दूर। टाइटन आज इसका भी दिन था, 5.5% ऊपर। गेल जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर, बायबैक आने की संभावना है, 120-130 रुपये पर हो सकता है बायबैक, शानदार उछाल वहां पर भी आया, भसीन साहब भी यहां पर बुलिश थे। भारतीय एयरटेल यहां पर अच्छी मूव आई, कोटक बैंक नया लाइफ हाई, HDFC लाइफ नया लाइफ हाई, HDFC बैंक अच्छा पार्टिसिपेशन, ITC टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, श्री सीमेंट, JSW स्टील, ब्रिटानिया, विप्रो, इन सभी स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके बावजूद आपने निफ्टी पर अच्छी गेंस देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे था। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक हल्की सी गिरावट यहां पर आपको आती हुई देखिए। HUL और L&T ने भी आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। पर वायदा कारोबार में देखें तो आज दिन था भारती इंफ्राटेल का, 20% का उछाल आपने भारती इंफ्राटेल में आते हुए देखा है। एक ही दिन में इंडस टावर की डील पूरी हो गई है। भारती इंफ्राटेल के साथ साथ वोडाफोन आइडिया यहां पर 10% की तेजी आपने आती हुई देखी है। तो इन दोनों स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आई। कल की तेजी के बाद आज फर्दर फॉलो ऑन बाइंग आपने देखी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, BEL, ICICI लोम्बार्ड, इन्फोएज, जुबलेंट फूड, इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। सेल यहां पर अच्छी खरीदारी रही, JSPL नीचे गिर कर रिकवर हुआ, साथ ही आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज पर अच्छी मूव आती हुई देखी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक्शन में रहा, ग्रासिम, पेट्रोनेट, मदरसन सुमी, अपोलो हॉस्पिटल्स यहां पर भी मूवमेंट आते हुए देखा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहां पर भी एक्शन था, और मुथूट फाइनेंस यहां पर भी पॉजिटिव मूव आपने आते हुए देखा है। पर दूसरी तरफ PVR यहां पर 4-4.5% की गिरावट रही, अशोक लेलैंड पर दबाव था, NMDC, भारत फोर्ज, ये सारे स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी दिखाए आज थोड़ा रोटेशन यहां पर हुआ, मुनाफा वसूली आती हुई देखी। DLF बैन में था, 2% नीचे ये स्टॉक आपको आते हुए दिखा। टाटा पावर, टोरेंट फार्मा यहां पर भी गिरावट थी, REC, PNB, बॉश, लुपिन, कोल इंडिया यहां पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। BSE लिमिटेड जिस पर अनिल जी अभी बात कर रहे थे, शानदार उछाल आया है, वहां पर नजर रखिए स्टॉक पर 560 के पहले टारगेट के करीब। वॉकहार्ट 20% का सर्किट, वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें हैं, और यहां पर UK में वैक्सीन प्रोडक्शन के लेकर वॉकहार्ट का एक जो टाइप है उसका भी पॉजिटिव रिएक्शन देखा। तो अनिल जी ऑल इन ऑल सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी रही सर, बैंक निफ्टी लगभग 250 अंक ऊपर जंप करके 29,140 पर प्रोविजनल क्लोज, और निफ्टी 12,850 के जस्ट नीचे 72 पॉइंट के प्रोविजनल गेन सर। ओके तो बिल्कुल ये है आपके लिए मार्केट की प्रोविजनल क्लोजिंग। लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस हफ्ते पूरे हफ्ते हमारा साथ देने के लिए। सोमवार को फिर से आप सबसे मुलाकात होगी। जाने से पहले एक बार जल्दी से फाइनल क्लोजिंग में आपको बता दूं, 12,859 87 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी हुआ है बंद, बैंक निफ्टी बंद हुआ है 332 अंकों की मजबूती के साथ 29,236 पर, और सेंसेक्स की समाप्ति रही 282 अंक मजबूती के साथ 43,882 पर। मुझे दीप को दीजिए इजाजत, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।